की क्लास का ग्रुप ने काफी लेट शायद अनाउंस किया है कि आज हमारी रेगुलर और बेसिक्स वाले स्टूडेंट को कंबाइन करके हमने क्लास को आगे लेके चलना है, सही है जी? तो आइए 16 से हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए 16 से जी बताता हूं मैं। अच्छा जी, आईएस 16 के हवाले से आप लोग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पहले से हासिल कर चुके हैं। सर आसान के साथ आपका डिस्कशन हुआ था, उस काम को भी एक दफा रिव्यू कर लेंगे कि आपने क्या क्या काम कर लिया है और क्या काम बाकी आपका रह गया है, वो भी हैंडआउट के थ्रू मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा बात। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस आईएस का नाम है क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है जी? हम सारे डिस्कशन इसमें करेंगे कि इसका प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, इसका टेस्टिंग लेवल क्या है, और वो वाली बातें जो सर आसान आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस हवाले से? कि जब आप एक एसेट को अपने पास एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रेकग्नाइज करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट उसमें ऐड होंगी और कौन सी नहीं होंगी, ये डिस्कशन हो चुका है आपका, बोलिए। जिसमें परचेज प्राइस में क्या क्या ऐड होगा क्या नहीं, फिर उसमें बात की डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं, फिर आपने बात की होगी डिसमेंटलिंग कॉस्ट के हवाले से, ठीक हो गई बात? तो हम लोग देखेंगे क्या ये 16 का कौन सा वाला पोर्शन जो है वो सर आसान ने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। लेकिन इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे जो आईएएस है जिसका नाम है आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उस आईएएस का नाम है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पीपीई की जो डेफिनेशन है वो क्या है। पीपीई आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। पीपीई आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। फॉर रेंटल पर्पस फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिन पर्पस। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, दे देता हूं बेटा, दे देता हूं। है किसी के पास एक्स्ट्रा नोट? पीछे पास ऑन कर दे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स, स्टार्ट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं एक दफा ग्राउंड दोबारा से सेट करूंगा और फिर एकदम आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिन पर्पस। आगे की बात जरा मुकम्मल करें, एक और पॉइंट था ना। आपको मैं सारी बातें बता दूंगा, सारी बातें मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ यहाँ पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किए
टीपी के वाले से अभी मेरे पास हैंडआउट आएगा, सारी बातें इसमें हो जाएंगी। परेशान आप बिल्कुल भी ना हो, आप हमारे पास आ गए इंशाल्लाह, हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे, बाकी डिपेंड करता है कि आप खुद कितनी मेहनत करते हैं। आपके लिए फर्स्ट टाइम है, हमारे लिए कई दफा आजमाया हुआ मामला। एक और पॉइंट इसमें रह गया जी, फॉर एडमिन पर्पस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैं फॉर्मल डेफिनेशन को लेके बात कर रहा हूं, इसमें मेरी क्या किसी और टीचर की क्या राय हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है IA-16 की जो स्टैंडर्ड ने जो डेफिनेशन दी है PPE की, वो मैं लिख रहा हूं। समझ आ रही बात? मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूं, बेशक वो बात हुई, बिल्कुल हुई, बिल्कुल जबरदस्त बात हुई। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है ना, मैं उसके मुताबिक यहाँ पे चल रहा हूं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स, सही है जी। टेंजिबल के बारे में किसी का कोई मसले मसाइल नहीं, फिजिकल फॉर्म। सर ये वो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये वो एसेट्स हैं जिनको कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहा है। किस पर्पस के लिए? बोलिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए। यानी कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, हेलो, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो ये IA-16 की डेफिनेशन में फॉल करती है बात। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यानी कि अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, प्लांट का इस्तेमाल, इक्विपमेंट का इस्तेमाल अगर भाईजान प्रोडक्शन के लिए हो रहा है ना, तो इसके लिए कौन सा IAS डील करेगा? IA-16, क्योंकि IA-16 की डेफिनेशन क्या है? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम है, और ये वो आइटम है जो कि इस्तेमाल होते हैं भाई प्रोडक्शन के लिए। अगर सर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, प्लांट इस्तेमाल हो रहा है, इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो इसकी अकाउंटिंग किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी? बोले IA-16। दिस इज माई पॉइंट, एक बात। सर दूसरी बात, अगर उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्विसेज की फरहमी के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, कुछ प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है सर्विसेज की फरहमी के लिए, तो सर खाली प्रोडक्शन की बात नहीं की उसने, बोला अगर प्रोडक्शन के लिए पीपी इस्तेमाल हो रहा है, IA-16 की डेफिनेशन में फॉल कर गई बात, ठीक। उसको क्या बोलो? टेंजिबल एसेट बोलो। अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है किस पर्पस के लिए? भाई सर्विसेज को देने के लिए, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है? IA-16 की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। तो सर अगर प्रोडक्शन की जा रही होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा होगा प्रोडक्शन में, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा होगा, बोलिए सर्विसेज की फरहमी के लिए या गुड्स की सप्लाई के लिए, गुड्स की फरहमी के लिए, तो ये बेसिकली किसकी डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है? मेरी आपकी नहीं, IA-16 की जो फॉर्मल डेफिनेशन है PPE की, उसमें फॉल कर रहा है। तीसरी बात, कितनी बातें हुई? तीन बातें। या तो पीपी का इस्तेमाल हो रहा होगा किस पे? बोलिए प्रोडक्शन में। या तो उस पीपी का इस्तेमाल अगर हम लोग कर रहे हैं सर्विसेज की सप्लाई के लिए या गुड्स की फरहमी के लिए, सही है जी, तो वो भी किस पे फॉलो हो रहा है? बोलिए IA-16 में फॉलो हो रहा है। और अगर उस प्रॉपर्टी का, उस प्लांट का, उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए, सही है जी, तो क्या आप अंदर अगर एंटर होते हैं KNS में, तो आपको राइट साइड पे एडमिन डिपार्टमेंट नजर आता है, तो क्या एडमिन डिपार्टमेंट इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है? Yes. तो क्या वहां पे कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए? Yes. तो सर क्या वहां पे कोई मशीनरी अगर let's suppose इंस्टॉल्ड है, तो अगर वो भी इस्तेमाल में लाई जा रही है, तो इसका मतलब KNS वाले इस प्रॉपर्टी का, इस प्लांट का, इस इक्विपमेंट की जो अकाउंटिंग करेंगे वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक करेंगे? IS-1 नहीं, IS-2 नहीं है, वो कौन से स्टैंडर्ड? IA-16। This is what I'm trying to explain. IA-16 ये बोलता है कि property, plant and equipment क्या है? भाई ये वो assets हैं जो tangible हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा होगा, बोले production में। ये वो assets हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा होगा goods की supply के लिए या services जो हम लोग provide कर रहे हैं उसकी फरहमी के लिए। ये वो assets हैं जिसको इस्तेमाल कर रहे होंगे हम लोग admin purpose के लिए। सर एक और बात, ये वो assets हैं इनमें से प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल्स को IA-16 डील करता है। तो सर आपने यहां पे तो ऊपर बोला था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IA-16 किसके रेंटल्स को डील करेगा?
यानी कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोग ओन करते हैं और अगर उसमें से इन तीनों को रेंट आउट करते हैं तो प्रॉपर्टी के रेंटल का जो ट्रीटमेंट है वो IAS 16 नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेंटल के लिए आपके पास एक IAS है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40, ठीक, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो कहते हैं भाईजान प्रॉपर्टी अगर तुम्हारी है उसकी रेंटल के हवाले से जो भी मामला थे 16 तुम मत छेड़ो, मैं हूं, मेरा नाम क्या है IAS 40 और मेरा नाम क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी के रेंटल की अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा IAS है बोलिए, IAS 40। तो बच कौन सी गए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से प्रॉपर्टी गया तो बचा कौन सा, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो IAS 16 ये कहता है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल की जो अकाउंटिंग है वो किसके हिसाब से होगी बोलिए, IAS 16 के हिसाब से। मैं अभी सिर्फ एक डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों को पहले से पता है बात, बहुत अच्छी बात है। मैं देखना ही चाह रहा हूं कि IAS 16 में जो फॉर्मल डेफिनेशन बताई है वो क्या बताई है, वो यहां पे शेयर कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है बोलिए, फॉर द लास्ट टाइम, टेंजेबल आइटम है, हेड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखो बाकी बातों में ये चीज आपके दिमाग में बैठ भी गई, या तो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या तो सर्विसेज की फराहमी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर सर सर्विसेज नहीं तो सर हमने गोदाम लेके रखा है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा सारा माल पड़ा हुआ है और जितनी भी माल की सप्लाई वो सर इस गोदाम से होती है। सर एक तरफ हमारा जो है वो शोरूम है, सही है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल चीजों की किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सर वो भी क्या हुआ हमारा PPE में फॉल हो रहा है। सर एक वो जगह है जहां पे हमारा सारा माल रखा हुआ है तैयार होने के बाद। सर एक तीसरी जगह है जहां पे हमारी प्रोडक्शन होती है, तो उसका मतलब वो बिल्डिंग जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, जहां पे प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी इस्तेमाल हो रहे हैं, सही है जी, वो कौन सा है IAS 16 के मुताबिक फॉल करेगा, वो जगह जहां पे हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, सर वो भी किसमें फॉल कर रहा है, IAS 16 में फॉल कर रहा है। सर वो जगह जो हमारा गोदाम है उसमें भी प्रॉपर्टी है, उसमें भी प्लांट है, उसमें भी मशीनरीज है, उन सब की अकाउंटिंग किसके मुताबिक हो रही होगी, IAS 16, दिस इज माय पॉइंट। सर अगर प्रॉपर्टी हमने किसी को रेंट आउट कर दी है, IAS 16 बोलता है कि खाली प्रॉपर्टी का रेंटल मैं डील नहीं करूंगा, वो IAS 40 करेगा, मैं सिर्फ जिस रेंटल की बात कर रहा हूं उसमें क्या है बोली, प्लांट एंड मशीन। आई होप सो आपको बात समझ आई। और इसका एक लास्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ, फॉर अ पीरियड ओवर, क्या है वो बात बताइए जरा, यानी कि एक से ज्यादा अरसे के लिए, एक साल से ज्यादा अरसे के लिए वो हमें क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो वो वाला पॉइंट भी अपने पास नोट डाउन कर ले, तो जाके आपकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मुकम्मल होती है। जरा नोट डाउन कर लीजिए, टेंजिबल आइटम हैड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिन पर्पस, ठीक। आगे क्या, एक्सपेक्टेड टू इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ वन ईयर, ये तो एक डेफिनेशन हो गई। अब आइए जरा हैंडआउट पे, इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर अ पीरियड, सही रही, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते यार 12 महीनों से ज्यादा अरसे के लिए हमें इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। किसी ने सवाल पूछा सर्विसेज की एग्जांपल दें, ये जो केनेस में हम जहां खड़े हुए हैं ये केनेस की प्रॉपर्टी है, यहां पे प्लांट भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक, मशीनरीज भी लेट्स सपोज इस्तेमाल हो रही है, यहां पे कंप्यूटर्स इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सर इस प्रॉपर्टी का और इसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरीज है, इक्विपमेंट है, इसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए हम लोग कर रहे हैं, सर किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग कुछ बना के नहीं बेच रहे, हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं बोलिए, सर्विसेज। तो इस प्रॉपर्टी की जिसमें हम बात कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट एंड मशीनरीज की बात हो रही है, इक्विपमेंट की बात हो रही है, अकाउंटिंग किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी IAS 16। अब देखिए जो मैंने आपको हैंडआउट दिया है, IAS 16 का जो टेस्टिंग लेवल है वो है 2 और जो प्रोफिशिएंसी है वो भी है 2। IAS 16 का प्रोफिशिएंसी और टेस्टिंग दोनों क्या है, 2। आई होप सो आपको
प्रोफिशिएंसी और टेस्टिंग के हवाले से बताने की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग मतलब यहाँ पे क्या 20 या 20 से कम नंबर का सवाल आएगा, और ये वो एरिया है एग्जामिनर का मूड खराब हो या अच्छा। एग्जामिनर ने तकरीबन कोई ऐसी अटेम्प्ट आई नहीं है जिसमें आई 16 का सवाल ना आया। ठीक है जी, तो इस टॉपिक में हर अटेम्प्ट में हर दफा आना है। एग्जामिनर टफ सवाल दे, आसान सवाल दे, उसने बोल दिया भाई आपने तैयारी करनी है प्रोफिशिएंसी लेवल 2 के हिसाब से। अब देखिए इसमें जो पेज नंबर 1 दिया है मैंने आपको, पेज नंबर 1 इसके कंटेंट क्या क्या है, इसमें चीजें क्या क्या हम लोगों ने करनी है। एक आएगा रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, ये बुक की चीजें कॉपी पेस्टेड है इसलिए मैंने किया ताकि ऐसा ना हो कि हमसे कुछ मिस हो जाए। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, दूसरा डेप्रिसिएशन, तीसरा डी रिकग्निशन, चौथा रीवैल्यूएशन, पांचवा डिस्क्लोजर और छठा जो है वो एमसीक्यूज है। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के अंदर समझ आ रही है बात क्या कुछ होगा। आपने कंटेंट के अंदर देखा नंबर 1 क्या है रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, उसके बारे में यहां पे एक बॉक्स बना हुआ है। देखो आप यहां पे क्या क्या नजर आ रहा है, सेक्शन ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन में क्या आ रहा होगा, पीपीई की डेफिनेशन, पीपीई क्या होता है इसकी डेफिनेशन आ रही होगी इंट्रोडक्शन में। यानी कि अगर हम लोग इस आईएएस को जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं तो भाई ये तो बताओ पीपीई है क्या। मैंने तभी यहां पे आपसे दो बातें की है कि भाई पीपीई के बारे में तुम बात करना चाह रहे हो, पहले ये तो बताओ पीपीई है क्या। तो जो पहला पॉइंट आ रहा है इंट्रोडक्शन का, इसके अंदर क्या होगी डेफिनेशन होगी, किसकी डेफिनेशन, पीपीई की। फिर सर दूसरा पॉइंट आ रहा है, नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूं आपके सामने वो बात आ रही है, छुप कुछ नहीं रहा। रिकग्निशन, सर पीपीई को अगर हम लोग अपने एसेट मानते हैं तो कोई आईएएस ने शराइत बताई है कि अगर ये वो शर्त मीट करेगी तो तुम उसको अपने पास क्या मानो, अपना एसेट मानो। तो जी हाँ, इसके हवाले से दो शराइत है कि हर वो चीज अगर उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो प्रोबेबल है, ठीक, दूसरी बात अगर उसकी कॉस्ट को तुम रिलायबली मेजर कर सकते हो तो उसको अपने पास क्या मानो, क्या माने बोलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम देखेंगे कि उसके रिकग्नाइज करने में इस पीपीई को हेलो डेबिट करने के लिए दो शराइत का पूरा होना जरूरी है। सर वो दो शराइत क्या है हम डिस्कस करेंगे, दो शराइत छोटी सी बात हो सकता है हम डिस्कस भी कर लिए। फिर आएगा इंट्रोडक्शन में क्या हुआ डेफिनेशन, रिकग्निशन में उसने दो शराइत बताई, भाई अगर ये है तो बोलो उसको पीपीई, अगर नहीं है बग हो जाए मतलब उसको हम पीपीई नहीं बोल सकते क्योंकि हर चीज को रिकॉर्ड करने की कोई ना कोई अकाउंटिंग में कंडीशंस होती है, तो वो दो कंडीशंस जो है वो रिकग्निशन के अंदर हम बात करेंगे। फिर आ रही है बात मेजरमेंट एट रिकग्निशन, ये वो एरिया है जो आपने सर आसान के साथ डिस्कस किया है। मेजरमेंट एट रिकग्निशन ये वो एरिया है जो आपने सर आसान के साथ डिस्कस किया है, जिसमें आपने देखा कि सर परचेज प्राइस में क्या एड होता है क्या लेस, डन, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। फिर आपने डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले ली, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि एक चीज आपके पास प्रोवाइड हो चुकी है। फिर इसी के साथ साथ जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, ये तीनों चीजें कहां पे आ रही है, मेजरमेंट एट रिकग्निशन। तो सर आसान के साथ आपका जो पोर्शन कवर अप हुआ है वो कौन सा वाला हुआ है, मेजरमेंट एट रिकग्निशन। फिर सर आसान के साथ जो आपका पोर्शन कवर अप हुआ है वो क्या हुआ है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वाला, भाईजान ये दो एरियाज हैं। फिर अब जो आ रहा है इसमें सेकंड लास्ट वो क्या आ रहा है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सर व्हाट इज दिस, नॉन करंट एसेट के ऊपर जब हम फ्यूचर में खर्चा करेंगे तो क्या उस खर्चे को हम लोगों ने एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है, अगर हिस्सा नहीं बनाना तो फिर क्या करना है ये हम देखेंगे, ठीक। फिर हम देखेंगे मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, रिकग्नाइज हो गया, सही है नहीं, रिकग्नाइज हो गया, एक तो मेजरमेंट कब हो रही होगी बोलिए, रिकग्निशन के वक्त, और एक होगी रिकग्निशन मेजरमेंट रिकग्निशन के बाद। ये वो एरिया है जो सबसे लेंथी तरीन एरिया है, सबसे ज्यादा एरिया जो
टाइम कंज्यूमिंग है इसमें, वो मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन है इसमें। हम क्या देखेंगे कि आईएएस ने हमें बताया कि एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। सर ये क्या है? तो समझे पूरे इस टॉपिक के पेजेस बुक के अंदर तकरीबन 70 से 75 पेजेस है। बुक के अंदर इस टॉपिक के 70-75 के करीब पेजेस में ये काम हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये भारी भरकम काम है जिसको हमने बुक का तो कंटेंट कवर अप करना है। मैंने ये सामने इसलिए रख दिया ताकि आपके सामने से ऐसे कुछ ना हो कि अगर मुझसे स्किप हो गया तो आप मुझे बता दें सर वही चीज स्किप हो गई थी हमारी, वो जरा करवा दो। ऑल्दो मुझे याद रहेगा, सिर्फ आपके लिए एक चीज नोट डाउन करा। तो मेजरमेंट एंड रिकग्निशन ये सबसे ज्यादा हमारा टाइम लेगा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे। एक होता है कॉस्ट मॉडल, दूसरा कौन सा होता है बोलिए? रीवैल्यूएशन मॉडल। डन। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। इसके बाद जो दूसरा एरिया आएगा वो कौन सा है बोलिए? डेप्रिसिएशन। कंटेंट में देखिए दूसरा कौन सा आ रहा है? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में यहां पे हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है और डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक हो गया। फिर हम देखेंगे कि सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स हमारे पास कितने हैं, वो हम देखेंगे। फिर डेप्रिसिएशन के चार्जेस और किस तरह से डेप्रिसिएशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि किस तरह से डेप्रिसिएशन क्या मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे या हम किसी और बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, वो हमने यहां पे देखना है। फिर हमारे पास आ रहा है चेंज इन एस्टिमेट। चेंज इन एस्टिमेट के अंदर क्या कुछ होगा कि लाइफ में अगर चेंज आ जाता है, मेथड में चेंज आ जाता है, स्क्रैप वैल्यू में चेंज आ जाता है। ये वो अल्फाज है जिनको मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा कि स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, मेथड, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो हम ये सारा डिस्कस करते हुए पहुंचेंगे, यानी कि चेंज इन एस्टिमेट को देखेंगे। इसके बाद आएगा हमारे पास अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि अकाउंटिंग मतलब क्या डेबिट करना है और आपने क्या क्रेडिट करना है, ये होगा डेप्रिसिएशन वाला एरिया। फिर तीसरा जो एरिया है वो क्या है, इसमें बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूं उसमें क्या लिखी हुई बात, डीरेकग्निशन। डीरेकग्निशन का मतलब क्या होगा कि हम अपने पास जब एसेट को लेके आए थे तो रिकग्नाइज किया था सेक्शन ए के अंदर, आज जब हम एसेट को अपने पास से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। डिस्पोजल के बाद या तो हमें गेन हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, जो भी कुछ हो रहा होगा उसकी अकाउंटिंग करनी है। ठीक हो गई बात। फिर देखिए चौथा एरिया कौन सा है हमारे पास, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के अंदर, रीवैल्यूएशन मॉडल्स के अंदर हमारे क्या क्या इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग किस तरह से होती है वो देखेंगे। कैरिंग वैल्यू में जब चेंज आएगा रीवैल्यूएशन की वजह से, तो मतलब एक लंबी स्टोरी यहाँ पे चलेगी हमारी, यानी कि हमारा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एरिया जो है ना, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एरिया है वो एरिया नंबर 4 है 5 है और सेकंड है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चौथे एरिया, पांचवे एरिया, और आप कह ले समझे जो सेक्शन 1 था ना जिसमें रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, वो तो चले आप डिस्कस कर ही चुके हैं काफी हद तक, लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग अब एरियाज हैं वो एक तो नंबर आपको सेकंड नजर आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ रही है। सिर्फ एरिया नंबर 1 देखो, बात सारी के बुक की एक अपनी तरतीब है बेटा, बात सुनिएगा, बुक की अलग तरतीब है, मैं बुक की तरतीब को जरूरी नहीं फॉलो करूं, मेरी अपनी तरतीब होगी, लेकिन जब वो चीजें मुकम्मल हो जाएंगी ना फिर मैं आपसे पूछूंगा निकालिए वो पहला पेज, देखिए वो सारी चीजें कवर अप हो गई, क्योंकि हर शख्स को कराने का तरीका डिफरेंट होता है। जब हम वो चीज कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा लगाइए सब पे टिक कि क्या हमने ये कर लिया। इससे फायदा क्या होगा इस कॉन्टेंट को देने का कि मैं बच के भाग नहीं सकता, आपके सामने सारी चीजें होंगी कि हाँ सर बुक के हिसाब से हमने सारा कॉन्टेंट कवर अप कर लिया। जब बुक के हिसाब से कॉन्टेंट कवर अप कर लिया इसका मतलब आपको बुक से वो टॉपिक बोलने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, कंटेंट कवर अप हो गया तो टिक लगा दिया, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो एक बेसिक डिस्कशन था कि बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट बताया हुआ है। डेफिनेशन पीपीई की आपने पहले पढ़ी हुई थी, उसको हमने सामने एक रिवाइज ही कर दिया। हम लोग अपना काम जो शुरू करेंगे ना, हम लोग जो काम शुरू करेंगे वो रीवैल्यूएशन मॉडल से नहीं करेंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल से नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम शुरू ही करेंगे कॉस्ट मॉडल से। सर कॉस्ट मॉडल में क्या होता है उसको अभी हम जरा बिल्कुल स्क्रैच से लेते हुए चलेंगे। अच्छा सुनिए,
हमारे पास जो मेजोरिटी स्टूडेंट बैठे हुए अभी, उन्होंने लास्ट स्कीम के मुताबिक कैफ वन नहीं पढ़ा हुआ, लास्ट स्कीम के मुताबिक कैफ वन नहीं पढ़ा हुआ। अगर कोई है तो वो इक्का दुक्का होंगे, लेकिन मेजोरिटी कौन है? या तो वो बिल्कुल नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आए, ठीक, जिनको पता ही नहीं है डेप्रिसिएशन होता क्या है, मेजोरिटी की बात बता रहा हूं। दूसरे कौन लोग हैं? जिनका अपना ओएलएमएस का बैकग्राउंड था, जिनका इंटर कॉमर्स का बैकग्राउंड। अब एक बात मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोल दूं, वो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट स्कीम जो कैफ वन की होती थी उसमें अगर उन्होंने डेप्रिसिएशन पढ़ा, तो हमारे पास जो एरिया हम कवर करने के लिए जा रहे हैं, कौन सा वाला मॉडल, कॉस्ट मॉडल, इस हवाले से उनको क्लास लेने की ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है, बेटा बात सुनिए, मैं किन की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ओल्ड स्कीम कैफ वन में डेप्रिसिएशन तबियत से पढ़ा था, ठीक है, नहीं तो उनको ये वाला एरिया कवर अप करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कौन सा एरिया मेरे साथ लाजमी तौर पे कवर अप करना है? रीवैल्यूएशन मॉडल। अब सुनिएगा, आईएस 16 की जान पूरी इसी में। अब सुने, वो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उन्होंने ये भी काम लेना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिन्होंने नहीं पढ़ा। दूसरे स्टूडेंट वो जिन्होंने लास्ट स्कीम के मुताबिक कैफ वन पढ़ लिया था, और उसमें उन्होंने डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक भी पढ़ा था, अगर तबीयत से पढ़ा था तो उनको ये वाला एरिया भी करने की जरूरत मेरे साथ नहीं है, ठीक। और वो स्टूडेंट जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड था, आईकॉम वाले, ओ इलेवन वाले, सही नहीं, उन्होंने मेरे साथ ये वाला एरिया में करना, ये वाला भी करना, बिकॉज मैंने आपको स्विच करना है, सेम जिस तरह से टेस्टिंग होती है, जो उसका प्रोफिशिएंसी उस हिसाब से स्विच करना है। यानी कि हमारे पास तीन कैटेगरी के स्टूडेंट है, एक तो वो बेचारे नन्हे का के जिनके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं, उन्होंने तो ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है, कोई ऑप्शन नहीं। वो बच्चे जिन्होंने ओल्ड स्कीम के मुताबिक कैफ वन पढ़ा हुआ है, सही नहीं, उनके लिए सिर्फ अगर तभी से पढ़ा हुआ, प्लीज बेटा कॉस्ट मॉडल वाले एरिया अगर हम स्किप करना चाहते हैं वो भले ना करें। और वो स्टूडेंट जिनका ओएलएमएस का बैकग्राउंड था या आईकॉम का बैकग्राउंड था, उनको भी मैं किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं दे रहा। अगर आप थोड़े चौड़े में चलने चाहते हैं, आप चले, सवाल आएगा तो खुद गिरा देगा, और जब आप खुदा ना खास्ता गिरेंगे इतना प्रायर एक इंफॉर्मेशन नॉलेज होने के बाद, तो आपको ऐसा ना हो कि किसी पॉइंट पे डीमोटिवेशन फील हो कि यार मैंने तो 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी भी थी ओएलएमएस के अंदर, इंटर कॉमर्स में 2 साल पढ़ी थी, तो यहाँ पे मैं क्यों नहीं अपने आपको उस कंफर्टेबल पे ला। तो बेहतर ही है, कंक्लूजन मैं ये ड्रॉ करूंगा मेरे भाई, सबने ही क्लास लेनी है, मिस कुछ नहीं करना। अच्छा, एक और बात, लास्ट जो हमारा बैच गुजरा, उसके अंदर हम लोगों ने, इधर सुनिएगा, इस एरिया में काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ओल्ड स्कीम के मुताबिक कैफ वन बिल्कुल फ्रेश फ्रेश पढ़ा था, समझ आ रही बात? तो जो लास्ट अटेम्प्ट गई है उसमें मैंने इस एरिया, इस टॉपिक में, इस एरिया पे काम एज सच नहीं किया, एक दो सवाल करा है बस, खुदाफिज। क्योंकि सिचुएशन चेंज थी ना, सिचुएशन क्या थी कि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया कैफ वन न्यू स्कीम के मुताबिक वाला, तो उनके पास तो डेप्रिसिएशन की बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉलेज थी, सही है नहीं? लेकिन ये वाला जो सेशन है हमारे पास, ये सेशन इस दफा भी इस तरह से चल रहा है, अदरवाइज जब स्टूडेंट प्रॉपर चैनल से आ रहे होंगे, पीआरसी दे के आ रहे होंगे, तो ये सारी गुफ्तगू जो है उसका क्लास का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। हम डायरेक्ट काम शुरू कर रहे होंगे कॉस्ट मॉडल के एडवांस ट्रीटमेंट से, रीवैल्यूएशन मॉडल बिल्कुल जीरो से इसका एडवांस ट्रीटमेंट शुरू होता। अब क्या है कि मुझे कॉस्ट मॉडल का बिल्कुल जीरो से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना, और बुक के अंदर 1, 2, 5, 10, 15, 20 पेजेस नहीं है, गिनती कर लें 73 पेजेस। वो भले नहीं है पीडीएफ, तो यार अगर थोड़ी सी कोशिश करें, आज तक बहुत चीजें डाउनलोड की, ये भी डाउनलोड करके देख ले, तो इसमें बस ये कि पढ़ना पड़ता है, बाकी म्यूजिक म्यूजिक खुद ही चला लेना है, ठीक है बेटा। सबसे लेंदी तरीन एरिया आपका आईएस 16 का आपका सामना करना पड़ेगा। अब आ जाइए
हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं डेप्रिसिएशन को लेकर। तो वो स्टूडेंट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई हमें आता है, मुझे डेप्रिसिएशन की जरा डेफिनेशन बताइए ताकि मैं शुरू में कुछ चीजों की इवैल्यूएशन कर लूँ ना कि आप लोग कहाँ खड़े हैं। हाँ जी बोले बेटा। लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। उर्दू बताएं, अंग्रेजी मुझे नहीं समझ आती। मेरे भाई बैठने हैं तो इज्जत से बैठे, वरना तो खामा गया, हमें इज्जत अपनी चेंज करनी पड़ेगी। जी बताइए। कॉमर्स वाले माशाल्लाह बैठे हुए हैं बहुत सारे। एसिड की वैल्यू में कमी होना। अच्छा एक छोटी सी मिसाल से अगर मैं बात शुरू करूं। हेलो इधर देखिए, आपने काम कारोबार शुरू किया, इधर सुनिएगा, और आपने एक जगह ली किराए पे, एक महीने का किराया 10,000 रुपए और 6 महीने का किराया आपने दे दिया एडवांस में, तो कितने पैसे गए? 60,000। सही है जी। कितना आपने एडवांस में रेंट दिया? जी मेरे भाई आपने काम कारोबार शुरू किया, एक जगह ली किराए पे, एक महीने का किराया 10,000, 6 महीने का किराया एडवांस में दिया, तो कितना एडवांस बना? 60,000। डन। पहले महीने के एंड में मैंने आपसे पूछा कि कितना तुमने रेंट कंज्यूम कर लिया, क्या बोलेंगे? 10,000। तो मैंने बोला दिया ना तुमने था 60, पहले महीने के एंड में कंज्यूम कितना हो गया? बोले 10। तो कितना अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ? 50। ठीक। दूसरे महीने के एंड पे मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि भाई तुमने जगह ली है किराए पे, कितना एक महीने का किराया? 10। कितने महीने का दिया एडवांस? 60। कितना कंज्यूम हो चुका है पहले महीने के एंड तक? 10। दूसरे महीने के एंड तक कितना कंज्यूम हो गया? 20। तो इसका मतलब नजर ये आ रहा है कि जो कंज्यूम नहीं हुआ वो क्या है आपका? बोले एसेट। और जो कंज्यूम हो गया वो आपका क्या बन गया? बोले एक्सपेंस। तो हम लोग जब मशीनरी खरीदते हैं, सुनना, या इक्विपमेंट खरीदते हैं, सुनिएगा, अगर खरीदी जा रही है, इस्तेमाल करना हमारा पर्पस है, इस्तेमाल करना अगर हमारा पर्पस है, वो इस्तेमाल या तो हो रहा हो यहां, इधर इधर इधर, तो वो किसमें आया? बोलिए पीपी में। और पीपी किसका नाम है? तो अगर हम लोग मशीनरी खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, सही है जी, किन पर्पस के लिए? इनमें से किसी एक पर्पस के लिए। तो सर इसको हम लोग अपना आज से पहले क्या मानते आए थे, एसेट या एक्सपेंस? बोलो एसेट। क्योंकि हम खरीद रहे हैं किस पर्पस के लिए? बोलो यूज करेंगे इसके लिए, इसके लिए, इन चीजों के लिए। सही है जी। तो हमने मशीनरी खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, उसको हमने आज से पहले अपना क्या माना? बोले एसेट। एक्सपेंस क्यों नहीं माना? सुनना, हमने पीपी खरीदा, हमने बोला एसेट डेबिट होगा। सही है जी। हमने एक्सपेंस को डेबिट क्यों नहीं कराया? सुनना सर, इसलिए डेबिट नहीं कराया क्योंकि जो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोग खरीद रहे हैं या हम बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए? इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या अगर एक मशीनरी की लाइफ 5 साल है तो क्या 5 साल के बेनिफिट्स मैं 1 साल में हासिल कर सकता हूं? बोले बोले। क्या एक मशीनरी जो मैंने खरीदी है उसकी लाइफ एस्टिमेट की गई है 5 साल, तो 5 सालों के बेनिफिट क्या मैं 1 साल में हासिल कर सकता हूं? बोले नहीं कर सकता। तो जब मैं 5 सालों के बेनिफिट 1 साल में हासिल नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं? सर जवाब यह है, जवाब यह है कि आज जब तुम खरीद रहे हो तो उसको अपना एसेट मानो। आज जब तुम खरीद रहे हो तो उसको अपना क्या मानो? एसेट। सर एक्सपेंस क्यों नहीं? सर एक्सपेंस इस वजह से नहीं कि मैं 5 साल, अगर उसकी लाइफ है तो 5 सालों के बेनिफिट में 1 साल में हासिल नहीं कर सकता, तो जवाब यह है कि उसको अपना क्या मानो? आज डे वन पे क्या माने? एसेट। और जब तुम उसको इस्तेमाल करोगे, सही नहीं, 5 साल के लिए इस्तेमाल जब करोगे, तो पहले साल जब तुम इस्तेमाल करोगे तो क्या उसकी वैल्यू या लाइफ
कम होगी या वहीं की वहीं रहेगी, कम होगी। तो नॉन करंट एसेट में जब तुम पीपीई की बात करते हो और पीपीई को जब तुम इस्तेमाल करोगे, तो पीपीई को जब तुमने रिकॉर्ड किया, रिकॉग्नाइज किया, तो डे वन पे क्या रिकॉग्नाइज किया, एसेट एक्सपेंस, एसेट जब तुम उसको यूज करोगे तो उस एसेट की वैल्यू वही की वही रहेगी, गिरेगी। तो पीपीई जो कि हमारा नॉन करंट एसेट है, इसको यूज करने से जो इसकी वैल्यू में डिक्लाइन आता है, इस डिक्लाइन को हम लोग नाम क्या देते हैं, बोलिए, डेप्रिसिएशन। इस डिक्लाइन को हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना है, अकाउंट फॉर करना है। तो हम लोग यहाँ पे अभी एक डेफिनेशन लिखने वाले हैं। डेफिनेशन कौन सी लिखने वाले हैं, डेप्रिसिएशन की। मैं एक दफा अपनी बात फिर से दोहराता हूं, मेरे भाई मैंने अभी आपसे क्या बात बोली, सुनो। आपने एक जगह ली काम कारोबार करने के लिए, एक महीने का किराया कितना बनता है, 10। कितने महीनों का एडवांस दिया, 6। वो एडवांस जो आपने दिया वो आपका क्या है, बोले एसेट, सही है। क्या ये 6 महीने गुजरने के बाद एसेट ही रहेगा, सर नहीं रह सकता। एक महीना गुजरा, आप बताओ एसेट कम कितने से हुआ, 10,000। तो इसका मतलब तुमने उस प्रीपेड को, रेंट को अपना क्या माना, डे वन पे एसेट, लेकिन एक महीना गुजरा तो तुम मजबूर हो गए उस एसेट को कम करने के लिए। तुमने एसेट को क्या किया, कम किया। मैंने बोला भाई क्यों कम कर रहे हो, सर वो रेंट ना मेरा कंज्यूम हो गया, तो एसेट क्या हुआ, खत्म हुआ, और मेरा एक्सपेंस क्या हुआ, बोलिए बढ़ गया। दूसरे महीने क्या हुआ, एसेट फिर कितने से कम हुआ, बोले कम हुआ। तो क्यों खत्म कर रहे हो, सर मेरा एक्सपेंस हो गया। तीसरे महीने फिर एसेट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। मैंने बोला क्यों कम कर रहे हो, सर मेरा एक्सपेंस हो गया। तो जब मैं मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह वगैरह कोई चीज खरीदता हूँ इस्तेमाल करने के लिए, तो मैंने उसको डे वन पे अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि सर अगर उसकी लाइफ 10 साल है तो क्या पॉसिबल है कि 10 सालों के बेनिफिट में एक साल में हासिल कर लूं, नहीं। तो ये वो वजह है जिस वजह से हमने उस मशीनरी को अपना डे वन पे क्या माना, बोले एसेट। और जब हम उसको यूज करते जाएंगे तो उस एसेट की वैल्यू ग्रेजुअली क्या होगी, कम होगी। तो जब एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू कम होगी तो एसेट को क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। बात समझ आ रही है, खत्म किया जाएगा। तो आप मुझसे पूछेंगे खत्म क्यों कर रहे हैं, मैं बोलूंगा इस एसेट से बेनिफिट मैंने चूंकि ले लिए तो मैं अपने एसेट की वैल्यू कम कर रहा हूं और बदले में किसको बढ़ा रहा हूं, एक्सपेंस को। जिस तरह से मैंने रेंट की बात की, तो महीना गुजरा, मैंने अपने एसेट को क्या किया, खत्म किया, डेबिट क्या किया, एक्सपेंस। इसी तरह से जब मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ इस्तेमाल करने के लिए, तो मैंने डे वन पे क्या माना, बोले एसेट। जब मैं मशीनरी को इस्तेमाल करूंगा तो मेरी मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए कम हो जाएगी। तो आप पूछेंगे कम तो हो रही है, क्यों कम हो रही है, मैंने बोला कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका मतलब जब एसेट को तुम यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, बदले में तुमने किसको डेबिट कराना पड़ेगा, एक्सपेंस को। लिखिए जरा डेफिनेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट of an asset over its useful life. क्या बोला, ऑफ एन एसिड ओवर इट्स, यानी कि एक आसान अल्फाज में नॉन करंट एसिड, जिसमें हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, पीपीई की। जब रिकॉर्ड करेंगे, जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, बोलिए एसिड। एक्सपेंस क्यों नहीं, जवाब आपको मिल गया, क्योंकि वी कैन नॉट गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ 5 इयर्स इन 1 ईयर। So we are recognizing it initially as an asset. Use करेंगे, उसकी value में क्या आएगा, कमी आएगी, तो asset को हम कम करेंगे, credit करेंगे, बदले में क्या debit करा देंगे, खर्चा हो गया, उस खर्चे को हम लोग नाम क्या देंगे, बोलिए depreciation। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक system के तहत हम लोग क्या करेंगे, allocate करेंगे
या हम क्या करेंगे बोलिए, स्प्रेड करेंगे किस चीज को स्प्रेड करेंगे, किस चीज को स्प्रेड किया जाएगा उस एसिड के, बोलिए किसको, डेप्रिशिएबल अमाउंट को, सही है नहीं, किस चीज पे स्प्रेड किया जाएगा, जो भी लाइफ एक्सपेक्ट की गई है, एस्टिमेट की गई है उसके ऊपर। सर यहाँ पे डेप्रिशिएबल अमाउंट है क्या, ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है ये क्या होता है, जरा नोट कीजिएगा, कॉस्ट में से माइनस क्या कराएंगे, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट में से माइनस क्या करा जाएगा, स्क्रैप वैल्यू। सर ये स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट में क्या क्या चीजें आनी है, ठीक, उसके बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस हवाले से आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, क्लियर। सर ये स्क्रैप वैल्यू क्या है, ये वो वैल्यू है जो कि एस्टिमेट की जा रही है क्या से 5 साल बाद, जब हम इस एसिड को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको बेच देंगे, तो आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद या 8 साल बाद जब हम इस एसिड को, इससे बेनिफिट जो हासिल कर चुके हैं, जब हम एसिड को क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उसको बेचते वक्त जो अमाउंट हासिल होगा उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम लोग रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम लोग सैलवेज वैल्यू भी बोलते हैं। वो चीजें मैं लिखवा दूंगा, अगेन जल्दी से देखिए, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, सर एक सिस्टम के तहत, सिस्टम क्या होगा देखेंगे, एक मेथड के तहत, एक सिस्टम के तहत, एक मेथड के तहत हम लोग ने क्या करना है, जो भी उस पीपीई की कॉस्ट है माइनस ये वाला अमाउंट, मतलब क्या करना है बोलिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसको हमने क्या करना है बोलिए, फैला देना है, इसको हमने क्या करना है बोलिए, फैला देना है। सर इसका मतलब क्या हुआ, एक एसेट हमने लिया, लेट्स सपोज जितने का भी था उसका डेप्रिशिएबल अमाउंट आया 1 लाख, हेलो, तो क्या मैं उस 1 लाख को डे वन पे एक्सपेंस मानूंगा या अपना एसेट मानूंगा, बोलिए क्या मानूंगा, एसेट। लाइफ थी उसकी एस्टिमेटेड के 5 साल ही बेनिफिट देगा और हर साल बराबर बराबर बेनिफिट देगा, तो आप मुझे बताइए अगर मैं डे वन पे 1 लाख को अपना एक्सपेंस मान लूं तो क्या मैंने उस एसेट से सारे के सारे 5 सालों वाले बेनिफिट हासिल कर लिए, बोले नहीं, तो सर ये तो जस्टिफाई नहीं होता ना कि 5 साल ये एसेट बेनिफिट देगा, हमने डे वन पे ही उस 1 लाख को क्या रिकॉर्ड कर दिया, बोलिए एक्सपेंस। सर ये तो बात मुनासिब नहीं है, तो फिर क्या आपको मुनासिब लगता है, सर मुनासिब ये लगता है कि उसको आज अपने पास डे वन पे क्या रिकॉर्ड करें, बोलिए एसेट, और जितना बेनिफिट इस एसेट से आपको पहले साल मिला है तो सर उस एसेट की लाइफ कम भी तो हो ही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम एसिड की लाइफ को क्या करेंगे, बोलिए एसिड की कॉस्ट को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे और बदले में अपना क्या रिकॉर्ड कर देंगे, एक्सपेंस। तो आप देखिए दोबारा से क्या लिखी हुई बात, एक मेथड के तहत, एक सिस्टम के तहत हम लोग ने क्या करना है, एलोकेट करना है या फैला देना है। फैलाने का मतलब कितने साल पे फैलाना है, मैंने बोला 5 साल तो 5 साल, 10 साल तो 10 साल, 15 साल तो 15 साल, यानी कि मैं एक ही साल में उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं उसके डेप्रिशिएबल अमाउंट को क्या कर रहा हूं, बोलिए स्प्रेड कर रहा हूं, जो भी उसकी लाइफ है। जरा देखना, सिस्टम के तहत, मेथड के तहत मैं क्या कर रहा हूं, एलोकेट कर रहा हूं या स्प्रेड कर रहा हूं, किस चीज को स्प्रेड कर रहा हूं, डेप्रिशिएबल अमाउंट को। डेप्रिशिएबल अमाउंट निकलता कैसे है, बोलिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर ये स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो एस्टिमेट की जाती है कि जब तुम एसिड को इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोज करोगे तो डिस्पोजल से तुम्हें कितना अमाउंट हासिल हो जाएगा, उस वैल्यू को क्या नाम देते हैं, स्क्रैप वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसिड ओवर इट यूजफुल लाइफ, यानी कि स्प्रेड किसको करना है, बोलिए एलोकेट किसको करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब आ जाइए हैंडआउट का जो पेज नंबर आपको 3 नजर आ रहा है, हैंड आउट का पेज नंबर 3, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए,
तकरीबन कुल मिला के कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन के सवालात जो बनेंगे वो तकरीबन 100 के करीब हम लोग क्लास में करेंगे, तकरीबन 100 के करीब। आज की तारीख में तो खैर इंसान नहीं कर सकते, बाकी अगर आप कुछ और समझते हो तो कर लेना मेरे भाई, बात सुनिए। कुल मिला के तकरीबन इसमें हमारे 100 के करीब सवाल आते हैं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अपनी क्लासेस ज्यादा से ज्यादा लगाएं और ड्यूरेशन भी कुछ जरा मुनासिब रखें। अकाउंट्स का पेपर है, इसमें एक दो सवाल करा के यार जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप मेरे बारे में अगर पूछेंगे, सर आसान के बारे में पूछेंगे, डिफरेंट डिफरेंट राय होगी, लेकिन मेरे वाले से अगर एक बात जो सारे स्टूडेंट्स की जबान से निकल रही होगी, यार ये प्रैक्टिस बहुत कराते हैं, मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊं तो मैं क्या करूं, मुझे बता दो। अगर मैं सारे के सारे पांच पेपर्स नहीं कराऊं तो मैं और क्या कराऊं। अगर मैं बुक की इलस्ट्रेशन कराने में, पांच पेपर्स कराने में, अपने सवाल कराने में टाइम लेता हूं, मैं यहां टाइम नहीं लूं तो फिर मैं और कहां टाइम लूं। बात सुनिएगा, अभी तो मस्ती में चढ़े हैं ना खुद, जब आपके पेपर करीब होंगे तो चेहरे से खुद मुस्कुराहट उठ जाती है। जो मेरी आपसे कमिटमेंट है डे वन पे, वो मैं तो उसको पूरा इंशाल्लाह करूं। सर टाइम क्यों ज्यादा लगेगा, कोर्स हमारा भी टाइम पे कंप्लीट होगा, लेकिन क्या है क्लास ड्यूरेशन ज्यादा होगा, क्लास के डेज ज्यादा होगा। रीजन क्या है, अगर काम को रिड्यूस करना है, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे और होता है भाई, दो सवाल करा है बाकी 6-7 सवाल खुद कर लीजिएगा, या 10 सवाल थे 5 सवाल करा है बाकी खुद कर लेना। मैं तो बोलता हूँ 10 है तो 10 मेरी जिम्मेदारी। बुक के अंदर जो इलस्ट्रेशन है 10, उसमें से चलो 5-6 मैं करवा दूं, बाकी जो मेरे अपने बनाए हुए सवाल आते हैं वो तो है ही अलग। तो इसका मतलब मैं 5 पेपर्स पे डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, उन पे जाने का तरीकेकार मेरा क्या होगा, पहले मैं अपने सवाल कराऊंगा और उसके बाद जब मैं पूरा ग्राउंड सेट करूंगा उसके बाद मैं जाऊंगा 5 पेपर्स। तो आपने सिर्फ देखें बताए क्या करना है। लोग कहते हैं कि यार मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, कौन सी चीज आसान है? कोई भी काम आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है। बात सारी है कि यार आपने सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपने करना क्या है, मेरी आपसे बड़ी गुजारिश है, अगर रोज का काम रोज नहीं तो अगले दिन तक निपटा लेना, आपको ये पढ़ाई टफ टाइम नहीं देगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जाए जाके एक्सपीरियंस करें, खुद पता चल जाएगा आपको। और बेसिकली ये बात जब बार बार बोली जा रही है, बार बार बोली जा रही है कि रोज का काम रोज नहीं तो अगले दिन निपटा लो, चलो भाई दूसरे तीसरे दिन निपटा लो, मेजॉरिटी स्टूडेंट खुदा की कसम खा के बताऊंगा वो खुद नॉन सीरियस है, वो एंड के लिए इतनी रिकॉर्डिंग छोड़ देता है कि उसके अब्बा उधर भी नहीं कर सकते। यार आप खुद बताओ ना, हाउ इज इट पॉसिबल कि स्क्रीन के सामने आप बैठे वो घंटों की रिकॉर्डिंग, मतलब एक इंसान की कैपेसिटी है यार नहीं इतनी देर की रिकॉर्डिंग देख सकता, और प्रेशर कितना ज्यादा होता है कि भाई अभी कुछ दिन बाद पेपर्स हैं, नहीं पॉसिबल। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आखिरी के दिनों में कल पेपर है पीडीएफ मांग रहे हैं सर वो नोट दे दे, तो सर आसान तो फिर चलो मुरबतन दे देते हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आता है मैं देता ही हूँ नोट्स। मैं बोला यार ये कोई टाइम है, आप खुद बताइए अगले दिन पेपर है सर वो पीडीएफ शेयर कर दो, तो सरासान लोग, मैं सरासान की बात बता रहा हूँ वो फिर दे देते नोट्स। जब सेशन चल रहा होता है तो सारे स्टूडेंट ऐसा लगता है सोए पड़े हुए, कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता, हम मैक्सिमम टाइम देने को तैयार थे, लेकिन जहां कोर्स एंड हो जाता है ऐसा लगता है पता नहीं कहां से इतने सारे ज़ॉम्बीज निकल के बाहर आ गए, कि एक दूसरे को बता रहे, दूसरा तीसरे को बता रहे, जिसको आता भी था उसने बोला हाँ यार ये तो सही कह रहा था, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। तो आखिरी टाइम में जितने सवाल आते हैं ये रेगुलर सेशन में क्यों नहीं आते। अच्छा ये वो बच्चे हैं, आप लोग की बात ही नहीं होगी, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सारे सेशन नहीं पढ़ते, और सवालात कौन कर रहा होता है जो सारे सेशन नहीं पढ़ रहे होते, जो सारे सेशन पढ़ रहे होते हैं ना रोज का काम रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के कर लिया, एंड में वो पूछते ही नहीं है, सिर्फ हाय हेलो कर रहे होते हैं बस, इसके अलावा खुदा की कसम ये रवैया होता है। और जो स्टूडेंट जो सारे सेशन नहीं पढ़ते, अभी पता है सारी आप को अगर शर्तें रखी जाए ना, आप बोलो हाँ पूरा हाँ बिल्कुल खादिम हाजिर सब सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब टाइम आता है करने का उस टाइम नहीं करते। देखें अभी आपने 3 पेपर उठाए हुए ना, कोर्स जब खुल जाएगा ना तीनों का तो आपसे संभलेगा नहीं अगर आपने काबू नहीं किया रोज का काम रोज करके, बहुत ज्यादा काम है बहुत ज्यादा काम है। तो जो पुरानी आपकी स्ट्रैटेजी होती थी पढ़ने की, बदलना नहीं उसमें बेहतरी लेके आनी,
सारे के सारे सवाल हमने कराने, आपने खुद क्या करना है? देखो इतने इतनी सिंपल बात, आपने खुद कुछ नहीं करना, सिर्फ जो कराया हुआ ना हम उसको संभाल लेना है बस। सर वो फला पास से पर वो हमारी जिम्मेदारी, सर वो फला इलस्ट्रेशन या तो मैंने करा दी या तो आपको थमा दी, सर मैं अपने सवाल अलग करा रहा हूँ, यानी कि इतनी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह कि आप लोग अगर खुद फायदा हासिल करना चाहते हैं तो बहुत फायदा उठाएंगे, नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर एंड में जो है वक्त निकल जाएगा और फिर चीजें आपके हाथ से बिल्कुल चले जाएंगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि रोज का काम अगर रोज ना से, अच्छा कॉमर्स वाले स्टूडेंट एंड टाइम पे जो है ना सबसे ज्यादा सफर कर रहे होते, क्योंकि वो समझते यार ये तो आती है चीजें, तो आती है, अभी हम शुरू करेंगे ना काम तो आप बोलोगे यार ये तो कोई काम है, तो मसला ही नहीं है। एकदम जब हमारी पेज पकड़ेंगे ना, याद रखना मेरी आदत किस तरह से, जिस तरह से मेरे सवाल होंगे कि मैं बोलूंगा यार आप कहीं मैं हाथ पकड़ के चल रहा हूँ स्लो स्लो, मैं खुद चल रहा हूँ स्लो स्लो स्लो, फिर मैं क्या करूंगा, मैं भाग रहा हूँ और आप बोलूंगा आओ मुझे पकड़ो। तरतीब मेरी ये होगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि मैं बोलूंगा मैं भागता हूँ जब मुझे पकड़, ऐसा नहीं है। मैं क्या करूंगा, हमेशा स्लोली मूव करूंगा और एकदम आगे स्पीड पकड़ लूंगा। अगर आपने उस स्पीड में मुझे कैच नहीं किया बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आपको मुझे आगे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। 100 के करीब सवाल बता रहा हूँ सिर्फ इस टॉपिक के, बाकी जो टॉपिक तकरीबन 60% एरिया मेरे पास है, और उसके अंदर आपको पछताना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा कि आप लोग को प्रैक्टिस के अलावा और सिर्फ कुछ और ना मिले, और मिलना भी कैसे यहाँ से, अकाउंटिंग का पर्चा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बाकी मेरी कोशिश होगी। ताली दुआ से बजती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर वन, बेटा जल्दी से आइए। नॉन करंट एसेट आपने एक्वायर किया है 125,000 का, चाहिए नहीं? 125,000 की जो कॉस्ट है वो कैसे आई होगी, ये वाला काम आप लोग कर चुके हैं। कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, डिस्कशन हो चुका है ना भाई, बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, वो वाली बातें, यानी कि हमें यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करवा रहा है, यहाँ पे अभी वो कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके बाद का जो फेज है वो यहाँ पे हो रहा है। आप बताइए नॉन करेंट एसेट हम लोग कितने पे रिकॉग्नाइज करेंगे, बोलिए। 125। स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू जो एस्टीमेट की गई है वो कितनी की गई है, 5,000। सर ये कौन सी वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू है जो कि हम एस्टीमेट कर चुके हैं कि आज से 4 साल बाद जाके जब हम इस एसेट को बेचेंगे तो हमें कितने पैसे मिल जाएंगे, बोलिए कितने, 5,000। लाइफ कितनी है, यूजफुल लाइफ, यानी कि इस एसेट से हम कितने सालों तक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, 4 साल। फिर लिखा हुआ है कंपनी यूज करती है डेप्रिसिएशन का एक मेथड जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड। सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक मेथड है सर, इसमें हम अज्यूम ये करते हैं, इसमें हम अज्यूम ये करते हैं कि जो एसेट हम लेके आए हैं उससे बेनिफिट जो पहले साल होगा वही दूसरे साल भी होगा, वही तीसरे साल भी होगा, वही चौथे साल होगा। मिसाल के तौर पर सर हम एक एसेट लेके आए, लेट्स सपोज ये इसकी लाइफ कितनी है, बोलिए 4 साल। इससे बेनिफिट किस पैटर्न पे हासिल होने हैं, अगर बेनिफिट्स, हेलो, अगर इससे फायदे हासिल होने का पैटर्न कुछ यूं है कि जितना फायदा हमें ये देगा पहले साल उतना ही देगा दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, यानी कि बेनिफिट्स हमें इवनली बेसिस पे मिल रहे हैं, अगर हमें बेनिफिट्स इवनली बेसिस पे मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पे सर ये पहले साल चलेगी 1000 घंटे, दूसरे साल भी चलेगी 1000, तीसरे साल भी 1000, चौथे साल भी कितने, बोलिए 1000 घंटे मशीनरी चलेगी, या पहले साल ये यूनिट बनाएगी 10,000, तो दूसरे साल भी कितने, 10,000, तीसरे साल भी, चौथे साल भी कितने, बोले 10,000। तो इसका मतलब लाइफ अगर 4 साल है तो बेनिफिट्स हमें हर साल से बराबर बराबर अगर हो रहे हैं तो हम एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन भी क्या करेंगे, हर साल बराबर बराबर शो करेंगे। तो अगर ये सूरत हाल है कि एसेट हमें बेनिफिट दे रहा है इवनली बेसिस पे, तो डेप्रिसिएशन का मेथड हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, उस मेथड का नाम क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम बनेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन मुझे बताइए क्या है, एक मेथड है। डेप्रिसिएशन क्या है, बोलिए मेथड। डेप्रिसिएशन क्या है, एक मेथड। इस मेथड में हम लोग करते क्या है, एलोकेट करते हैं, स्प्रेड करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, बोलो, एक मेथड। सर क्या होता है, सर एलोकेशन होती है, स्प्रेडिंग होती है किस चीज की, सर वो जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है। अच्छा ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है,
सर कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू हम निकालते हैं तो जवाब आता है, मैंने बोला स्क्रैप वैल्यू क्यों निकालते हो? सर चूंकि मैं ये जानता हूं क्या से 4-5 साल बाद जाके जब मैं एसेट को बेचूंगा तो ये अमाउंट मुझे हासिल हो जाएगा, तो जब मैं वो जानता हूं कि अमाउंट हासिल हो जाएगा तो उसका मतलब उस अमाउंट को मैं डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, उस अमाउंट को मैं स्प्रेड या एलोकेट नहीं करूंगा। तो डेप्रिसिएशन है क्या? एक मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं किसको, डेप्रिशिएबल अमाउंट को, किस पे स्प्रेड करते हैं, जो भी उसकी लाइफ हो। सिंपल इज दैट। तो सर अभी आपने यहाँ पे नाम दिया स्ट्रेट लाइन, सर इसमें क्या होता है? ये भी डेप्रिसिएशन का एक मेथड है। सर इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में अज्यूम ये किया जाता है कि एसेट हमें बेनिफिट्स किस बेसिस पे दे रहा है, इवनली बेसिस पे दे रहा है, तो हम लोग इक्वल बेसिस पे बेनिफिट दे रहा है तो हम लोग इस एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन भी इक्वल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये वाली बात समझ आई? अब देखिए हमें यहां पे मालूम क्या करना है। सबसे पहली बात, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या मेरे भाई? डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू, बोलिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर स्क्रैप वैल्यू क्यों माइनस की समझ गए बात? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमने एस्टिमेट कर लिया कि जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी तो हमें इतना अमाउंट मिल जाएगा, तो उसका मतलब इस अमाउंट को हम लोगों ने एलोकेट या स्प्रेड नहीं करना। कितना है बोले? 1.25 माइनस कितना? 5। कितना आया? 1.20। इसका मतलब 1.20 को हमने क्या करना है बोलिए? स्प्रेड करना है। 1.20 को हमने क्या करना है बोलिए? स्प्रेड। इसकी ए रिक्वायरमेंट ये हुई, बी बोलिए, बी में क्या करना है? रेट मालूम करना है। रेट मालूम करने के लिए 1/लाइफ ये फॉर्मूला, 1/लाइफ, तो बताइए लाइफ कितनी है? 4। तो ये कितना बना बोलिए? 25%। अब सी रिक्वायरमेंट क्या है बोलिए? एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन बोलिए, फॉर्मूला डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, टोटल लाइफ। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? वो अमाउंट जिसको स्प्रेड करना है, एलोकेट करना है, कितना? कितना? 1.20 डिवाइडेड बाय कितना आया? यानी कि एसेट को जब हम यूज करेंगे तो पहले साल उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन आएगा वो कितना आएगा? 30,000। कितना आएगा? 30,000। इसका एक और दूसरा फॉर्मूला, यानी डेप्रिसिएशन का टॉपिक बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। इसके अंदर छोटी छोटी जो बातें हैं मैंने आपको दिखा दी है, कंटेंट में क्या है, ठीक। तो जो चीज कंटेंट में है उसको हमने पूरा करना है। चूंकि स्टूडेंट पीआरसी का एग्जाम देके नहीं आया हुआ, ठीक, तो उसको ये डेप्रिसिएशन के हवाले से नॉलेज भी नहीं है। मैंने यहां पे क्या करना है कि अपनी क्लासेस का दौरानिया और डेज बढ़ा के, जब मैंने बेसिक्स के हवाले से 2 हफ्ते की बात की थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस टारगेट को मीट किया, बेसिक्स को हमने खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से ये वो काम जो आगे आने वाले वक्तों में स्टूडेंट करके आ रहा होगा थ्रू पीआरसी, ठीक, तो मुझे यहां से काम शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं काम को कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी क्या है कि हमारी मजबूरी, हमने सारा काम करके गुजरना है। पेस होगा थोड़ा सा तेज, हम जाएंगे डेज बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, हमने वो सारे गैप को रिड्यूस करना है। दूसरा, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, बोलो बेटा, 1.20 मल्टीप्लाई बाय बोलिए 25%, कितना बना? 30,000 पर एनम। सर मैं आता हूं थोड़ा सा।
30,000 per annum. नंबर डी क्या है? क्या है नंबर डी में? जर्नल एंट्री. डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का क्या है? बोलिए. एक्सपेंस. एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट. ठीक. एसेट की वैल्यू, जब एसेट को इस्तेमाल करते हैं एसेट की वैल्यू बढ़ती है, वही की वैल्यू होती है कम होती है? कम होती है. सही है. या तो हम एसेट को डायरेक्टली रिड्यूस कर दें, एसेट को हम या तो डायरेक्टली रिड्यूस कर दें, यानी कि डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, हम चाहें तो यू कर दें. हम चाहे तो एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये. एक बात तो तयशुदा है कि एक अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो दूसरे अकाउंट में क्या होना है? बोलिए. क्रेडिट. या तो आप एसेट को डायरेक्टली कम कर दो. ठीक. अगर डायरेक्टली कम नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो ये कि जिस तरह से सेल्स रेवेन्यू होता है, सुने, जिस तरह से सेल्स क्या है? बोलिए. रेवेन्यू. तो सेल्स का कॉन्ट्रा क्या है? बोले. सेल्स रिटर्न. जिस तरह से परचेज क्या है? एक्सपेंस. तो परचेज का कॉन्ट्रा क्या है? परचेज रिटर्न. डन. जिस तरह से कैपिटल की नेचर क्या है? क्रेडिट की. तो ड्रॉइंग क्या है? कॉन्ट्रा कैपिटल डेबिट. इसी तरह से नॉन करंट एसेट की वैल्यू में जब डिक्लाइन आता है तो उसको नाम देते हैं हम क्या? डेप्रिसिएशन. तो इस वक्त क्या काम हो रहा है कि एसेट को आपने क्या करना है? रिड्यूस करना है. जितना वो कंज्यूम हो गया है उसको क्या करना है? रिड्यूस. अरे यार, मैंने बोली थी ना बात कि आपने 60,000 का रेंट पे किया, तो एक महीने में जब आपने कंज्यूम कर लिया 10, तो आपने अपने एसेट को क्या किया? बोलिए. 10 से कम किया. और क्यों कम किया? क्योंकि सर मेरा ये खर्च हो गया. इसी तरह से जब आपने एक चीज को अपना नॉन करंट एसेट माना, तो जब आपने उसको इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कमी आई. कितनी आई कमी? बोलिए. 30,000. तो मैं क्या अपने एसेट को कम करूंगा? सर क्यों नहीं कम करूंगा, क्योंकि मेरे एसेट की वैल्यू में कितने से डिक्लाइन आया है? बोले. 30. तो उसका मतलब एसेट ने कम होना है, होना है, होना है. और एसेट को जब मैं कम करूंगा तो बदले में किसको मैं डेबिट करूंगा? एक्सपेंस. ये मैं नहीं कहता, खुद सिनेरियो के हिसाब से बोल रहे. एक्सपेंस तो डेबिट मेरा हो गया. इसका मतलब मैं जब इक्विपमेंट या मशीनरी खरीदता हूं तो मैं उसको एकदम अपना एक्सपेंस नहीं मानता, मैं उसको अपना डे वन पे क्या मानता हूं? बोलिए. एसेट. जितना मैं कंज्यूम कर लूंगा उतने से एसेट को क्या करूंगा? कम करूंगा. और फिर मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा? बोले. एक्सपेंस को बढ़ा दूंगा. इसका मतलब मशीनरी को खरीदा गया तो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं बोला, क्या बोला? एसेट. जब कंज्यूम किया तो मशीनरी की वैल्यू में क्या आई? कमी आई. किसको मैंने कर दिया डेबिट? तो इसका मतलब एसेट ने अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाना है? बोलिए. एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाना. ये वाली बात समझ आई? अब देखिए यहां पे मैं एक अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का. हमने यहां पे भी क्या करना है? एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन को शो करना है. तो उसके लिए मैंने अल्फाज यहां पे कौन सा इस्तेमाल किया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. क्योंकि एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन को शो करना है तो उसके लिए, डिक्लाइन के लिए जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? बोलो. कॉन्ट्रा. तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? बोलिए. कॉन्ट्रा एसेट है. और इसमें क्या हो रहा है? बोलिए. इजाफा. तो हमने क्या किया इसको? क्रेडिट. यानी कि सर इजाफे का मतलब क्या हुआ? एसेट की वैल्यू में रिडक्शन जो हो रही है. रिडक्शन में तो इजाफा हो रहा है ना. रिडक्शन में जो इजाफा हो रहा है उसको मैंने क्या बोला? कॉन्ट्रा एसेट. कॉन्ट्रा एसेट मतलब रिडक्शन हो रही है. रिडक्शन में क्या हो रहा है? बोलिए. इजाफा हो रहा है. तो यहां पे मैंने क्या किया? क्रेडिट. तो आज के बाद हम जब भी एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन के हवाले से तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या किया जाएगा? बोलिए. डेबिट. और क्रेडिट में क्या करूंगा? बोलिए. शाबाश. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किया जाएगा क्रेडिट. जी बोले बेटा. मैंने अभी आपसे अर्ज किया, मैं चाहूं तो एसेट को डायरेक्ट क्रेडिट कर दूं. बिल्कुल सही.
मैं चाहूं तो ये भी काम कर दूं, मैं चाहूं तो एसिड को भी डायरेक्ट कम कर दूं, हमारी चॉइस। दोनों के फायदे दोनों के नुकसान हैं, हम जाके डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या किया, एसिड को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं किया, उसके इनडायरेक्ट रिडक्शन के लिए एक अकाउंट खोला। उस अकाउंट का नाम क्या दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है, जमाशुदा डेप्रिसिएशन, सही है। इसको हमने क्या किया, क्रेड किया। आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कॉन्ट्रास्ट, अलाउंस भी बोल सकते हैं इसको, इसको हम लोग अलाउंस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग प्रोविजन भी बोल सकते हैं। मैं आगे जाके खुद नाम लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ मैंने अल्फाज जबान से बाहर निकाला। क्या बोल सकते हैं, अलाउंस भी बोल सकते हैं इसको, प्रोविजन भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या लिखी हुई है बात, इसके बाद वो क्या मांग रहे हैं हमसे, एक ऐसी स्टेटमेंट बनाओ उसमें हमें ये दिखाओ कि चल क्या रहा है। एक ऐसी स्टेटमेंट बनाए और उसमें दिखाएं कि चल क्या रहा है। तो हमने यहां पे कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, ई। एक ऐसी स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट मतलब यू, जिसमें दिखाओ कि ये सब चल क्या रहा है। तो कॉस्ट कितनी है, 125, ठीक। एसिड को जब हमने इस्तेमाल किया तो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आया, डिक्लाइन को क्या नाम देते हैं, बोलिए। एसिड को वैल्यू में रिड्यूस हुआ तो डिक्लाइन आया, उसको क्या नाम देते हैं, नाम क्या देते हैं, बोलिए, डेप्रिसिएशन। इधर आइए, तो कितने से एसिड की वैल्यू में डिक्लाइन आया, कितने से बोले, 30,000 से डिक्लाइन आया। आपके पास एसिड डे वन पे कितने था, 125। एसिड को यूज करने से उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आया, कितना आया, 30। तो क्या अगर मैं उसे पूछूं आज एसिड तुम्हारे हिसाब से कितने का है, इसमें से ये माइनस होगा या इसमें प्लस होगा, माइनस, अकाउंटिंग में माइनस ऐसे आया, तो ये कितना बना, 95। तो तुम्हारे हिसाब से आज उस 125,000 वाले एसिड की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से आज कितनी है, बोलिए। 125,000 वाले एसिड की तुम्हारे हिसाब से आज जो वैल्यू है वो कितनी है, बोलिए। इस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं क्या, बोलिए, नेट बुक वैल्यू। क्या नाम देंगे, नेट बुक वैल्यू। ये तो हुआ पहला साल। अब आप मुझे बताइए, आगे बढ़ने से पहले फिर एक दफा पूछ रहा हूं, सर डेप्रिसिएशन के तो बेतहाशा मेथड होते हैं, इस स्ट्रेट लाइन मेथड हमारी मर्जी है जब यूज करें, मर्जी नहीं है। एक याद रखिएगा बात, सारे साथी सुन ले, डेप्रिसिएशन का मेथड आप अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते। जिस तरह से डेप्रिसिएशन का एक मेथड आता है, कॉमर्स वाले जानते हैं, अपना स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपने बोला सर मेरा दिल करता है कि मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एक मेथड है वो इस्तेमाल करूं। किसी ने बोला छोड़ यार जानी, मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड पे ज्यादा असेट है। आईएएस यहां पे आपकी बातें सुन के हंस रहा है, तो आपने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो, जवाब उसका आया कि डेप्रिसिएशन में तुम्हारे या तुम्हारे अब्बा हुजूर की च्वाइस नहीं है कि जो दिल चाहे तुम इस्तेमाल करो भाई, ये नहीं चलेगा यहां पे। तो आपने बोला भाई फिर क्या करूं, उसने बोला सुनो एक बार, मैं बार बार ये डिफरेंट अंदाज से बात बोल रहा हूं, उसने बोला सुनो। हमें बोला हाँ बोले, मैंने बोला अगर ये एसिड तुम्हें बेनिफिट्स कुछ इस तरह से दे रहा है कि जितना फायदा पहले साल उतना ही फायदा आखिरी साल तक मिलेगा, तो इसका मतलब अगर फायदे हासिल करने का पैटर्न बराबर है ना, ठीक, तो उस एसिड की वैल्यू में डिक्लाइन भी उसी हिसाब से शो करो। और अगर ये तुम शो करते हो तो इस मेथड का नाम तुम क्या दे दो, स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने बोला सर मेरे पास ये एसिड तो मुझे बेनिफिट दे रहा है इवनली बेसिस पे, लेकिन एक और मेरे पास एसिड है, लेट्स सपोज ये एसिड है, सर ये दूसरा एसिड जो है हमें बेनिफिट शुरू में देगा ज्यादा, फिर बेनिफिट्स होते जाएंगे कम कम और कम होते चले जाएंगे, तो सर यहां पे क्या मैं स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करूं। उसने जवाब दिया कि अगर बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है शुरू में ज्यादा और फिर बेनिफिट कम पे कम होते चले जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कौन सा होगा, उसने बोला जिस मेथड के तहत तुम दूसरे एसिड की वैल्यू में डिक्लाइन शो करोगे, तो इस मेथड का नाम तुम्हें बताया जा रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होगा हम देखेंगे। इसी तरह से सम ऑफ द ईयर में क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, मशीन आवर्स में क्या होता है, फ्लाइंग आवर्स में क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे।
क्लियर हो रही है बात? अब देखें, पहले साल की एंड पे तुम्हारे हिसाब से वैल्यू कितनी आ गई? 95। अब बताएं दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? सर स्ट्रेट लाइन है तो जो पहले साल हुई दूसरे साल, सही है नहीं? कितना बोलिए? 30। कितना आया? 65। एसेट तुमने लिया कितने का था, पढ़ा कितने का था? 125। पहले साल के एंड पे तुम्हारे हिसाब से क्या वैल्यू है? 95। था कितने का? 125। समझ रहे? था कितने का और आज तुम्हारे हिसाब से कितने का है, दोनों अलग बातें यार। दो साल गुजरने के बाद आज तुम्हारे हिसाब से कितने का है बोलिए? 65। इस वैल्यू को मैं नाम दूंगा नेट बुक वैल्यू। क्या नाम देंगे? नेट बुक वैल्यू। अब इसी तरह से मुझे बताइए तीसरे साल कितना आया? 30,000। कितना बना? 35,000। इसको क्या नाम देंगे? नेट बुक वैल्यू। फिर इसी तरह से चौथे साल कितना आया बोलिए? 30,000। आप मुझे बताएं क्या आपने स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया था डेप्रिसिएशन निकालने से पहले? बोले क्या आपने स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया था डेप्रिसिएशन निकालने से पहले? बोलिए क्या आपने स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया था डेप्रिसिएशन निकालने से पहले? क्या आपने स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया था डेप्रिसिएशन? मैंने जो बताई बात वही पूछ रहा हूं, क्या मैंने स्क्रैप वैल्यू को डेप्रिसिएशन निकालने से पहले माइनस किया था? जी हाँ सर, किया था, क्योंकि डेप्रिशिएबल अमाउंट एलोकेट हुआ था और डेप्रिशिएबल अमाउंट आता कैसे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो माइनस क्यों कराया था? क्योंकि मैंने एस्टिमेट किया था कि आज से 4 साल बाद जब ये एसेट मैं देख रहा हूं कितने का आ रहा है मेरी किताब में या कितने का बिक जाएगा, तो कितना मैंने एस्टिमेट किया था बोले? 5,000। तो ये कितना आ गया बोलिए? 5,000। ये क्या है बोलिए? बुक वैल्यू। और ये 5,000 क्यों आया? क्योंकि ये वो अमाउंट है जिसको मैंने एलोकेट या स्प्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कि एस्टिमेट किया गया है कि आज से 4 साल बाद जाके हम जब एसेट बेचेंगे तो हमें ये वसूल हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास क्या आ गया बोलिए? 5,000। बोलो नेट बुक वैल्यू लाइफ के एंड पे स्क्रैप वैल्यू के बराबर आ रही है, तो स्क्रैप वैल्यू विल बी इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ एसेट यूजफुल लाइफ। अब आइए दूसरे सवाल पे। अच्छा, इस दफा जो पेपर आया था वो बहुत ही आसान पेपर था एज फार एज दिस आईएएस 16 इज कंसर्न। अभी जो अटेम्प्ट जो दिए बच्चों ने, काफी आसान पेपर था। और वो स्टूडेंट जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था कि नहीं हो रही तैयारी, नहीं हो रही तैयारी, और जब उन्होंने पेपर देखा तो पेपर बहुत आसान था कंपैरेटिवली। जिस तरह से आई कैप का मिजाज होता है, तो आई कैप ने अपने मिजाज से हट के जो है ना वो पेपर बनाया, और बहुत रीजनेबल पेपर था। शर्त ये कि अगर आपने तरीके से पेपर हैंडल किया तो पेपर निकल जाएगा, लेकिन बहुत रीजनेबल पेपर था। यानी कि आप सोच के गए थे कि पता नहीं क्या पूछेगा हमसे, वो बहुत ही नीचे उतर के आपसे बातचीत कर रहा है। हमारे लिए ये भी एक मुसीबत हो गई। हम सोच के गए थे कि पता नहीं क्या 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 चीजें पूछेगा। उसने बोला मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल ही नन्हे मुन्नी तुमसे बातें पूछ रहा हूं। तो हम लोग इसके लिए भी तैयार नहीं था। तो लोग अगर फेल होंगे तो उनसे पूछेंगे यार पेपर तो बड़ा आसान है, यार मैं तो समझा जा नहीं, पता नहीं कितना मुश्किल देगा, लेकिन नहीं दिया क्योंकि स्कीम चेंज हुई थी। तो इस वजह से उसने ओवरऑल सारे जो शुरू के पेपर्स थे, सही है जी, मैं कॉस्टिंग की बात नहीं करा, मैं ऑडिट की बात नहीं करा, मैं FAR2 वगैरह की बात नहीं करा, शुरू के जो पेपर्स थे उसमें उसने काफी हल्का हाथ रखा। क्योंकि वो आईकैप के मिजाज के खिलाफ थी वो बात, तो जाने तो दिया पहली अटेम्प्ट में, एथिकली उसने सही किया। लेकिन वो बार बार एथिक्स नहीं दिखाएगा एग्जामिनर, यानी कि अपकमिंग अटेम्प्ट्स के अंदर। तो अगर 16 का इतना नन्ना मुन्ना सा मासूम सवाल उसने पूछा, आप
पिछला जितना एनालिसिस कर ले कभी भी वो आपके साथ इतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं आया, हमेशा वो भारी भरकम आया। तो इस दफा आ गया तो उसका मतलब अगली दफा वो बोल सका बेटा मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। आई कैप का ये मिजाज है वो बदलेगा नहीं, आपने उस हिसाब से अपने आप को ट्यून करना है। ठीक हाँ सर जी, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर टू, बोलिए। डेप्रिशिएबल अमाउंट बोले जी, स्क्रैप वैल्यू, ये जो नेट बुक वैल्यू बच गई ये वही वैल्यू है जो कि हमने एस्टीमेट की गई थी डे वन पे। स्क्रैप वैल्यू विल बी इक्वल टू नेट बुक वैल्यू जी, नहीं हर दफा नहीं। इसमें तो खैर जैसे पांच आई है तो पांच, अगर छह होती तो छह आती। अभी हम सवाल एक अंबार लगाएंगे, आप किसी सवाल में देखना एस्टीमेट की गई है। देखिए सुनिए, 5000 हमारे हिसाब से आ रहे हैं, हमने मार्केट में इसको बेच दिया मुश्किल से 2000 रुपए मिले। एस्टीमेट का मतलब ये हमारा बेहतरीन तज्जिया इसमें ये है कि भाई 5 का बिक जाएगा, लेकिन सूरत हाल कुछ इसके बरक्स निकली। ठीक, 5 की चीज 7 में बिक गई, 5 की चीज 2.5 में बिकी। हमने जो एस्टीमेट किया था वो कितना था, 5000। ये हमारा बेहतरीन एस्टीमेट था। एस्टीमेट का मतलब भी क्या है, इसमें कुछ प्लस माइनस डेफिनेटली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा हम अपनी क्लासेस जो है जब तक मैं इस कॉस्ट मॉडल वाले एरिया को जल्द से जल्द सुनो बेटा टैकल नहीं कर लेता, मुझे अपनी क्लास अगर संडे को भी लगानी पड़ी। सुन लीजिए यार, मेरा भी रोजा है, मेरी सुबह भी क्लास अभी भी क्लास, लेकिन मैं कोई कसर नहीं छोड़ा बोलने में, जान लगती है मुझे, पता है इसकी भी कॉस्ट मैंने इस क्लास के बाद बेर करनी है शाम तक। ठीक, गला यार खुश होता है और अक्सर लोग क्लासेस नहीं, आप खुद देख लो ना यार एफर्ट लगती है। तो मैं अगर इसकी क्लास आपकी संडे भी लगाता हूं शौक या नहीं है। ठीक, हर बंदे की कोशिश हो रही होती है रमजान शरीफ में एटलीस्ट कि यार थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए। संडे को भी अगर मुझे मौका लगता है, फ्राइडे भी क्लास का मौका लगता है, मैं क्लास लगाऊंगा। रीजन बीइंग इज वो जो गैप एक वैक्यूम बना हुआ है ना उसको खत्म करना है मैंने, और मैंने जल्द से जल्द रीवैल्यूएशन वाले मॉडल तक पहुंचना है, और वहां पे जाके सारे लोग एकदम उनकी सिट्टी गुम हो जाएगी कि रीवैल्यूएशन मॉडल एक डिफरेंट ही चीज है। लेकिन कॉस्ट मॉडल भी कोई हल्का फुल्का नहीं है। आपने ओ लेवल्स में अकाउंट्स पढ़ी हो, ए लेवल्स में पढ़ी हो, आईकॉम में, बीकॉम में, इसका सिर्फ कॉस्ट मॉडल देख लो सही है नहीं, आपको याद आ जाएगी पता नहीं उस रूठे हुए शख्स की जो आपको छोड़ के जा चुके हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, यानी कि समझ रहे हैं बात, ये काफी लेवल का है और इससे मुश्किल नहीं है, इससे मुश्किल नहीं है मेरे भाई। तो इसीलिए मैं आपको एक ये भी बात बता रहा हूं कि अगर मुझे क्लास का मौका लगा फ्राइडे का, तो आप वो काउंट नहीं कीजिएगा सर आपकी दो क्लास होनी थी तीन होनी थी, ये क्या आपने 4 से 5 लगा दी। मेरे भाई पेपर आपका है, और मुझे वो जो एक वैक्यूम बना हुआ है ना उसको खत्म करना। जब हम 5 चैप्टर्स करेंगे ये सवाल आप देखेंगे, आपको खुद अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मैं क्यों इतनी एफर्ट कर रहा था आज से मेरी फर्स्ट क्लासेस। अब आइए नंबर सेकंड, और ये भी हो सकता है कि जैसे मेरी क्लास के साथ कनेक्टेड क्लास आसान की हो रही है तो मैं अपनी क्लास एक्सटेंड कर लूं आगे की आने वाले दिनों में, अब इस एहसान से कुछ मैं उधार के तौर पे क्लास ले लूं। मेरे भाई पेपर आपका है, ठीक, और मैंने आपसे जो जिम्मेदार जो वादे किए 5 चैप्टर्स मेरे जिम्मे, वो की मेजॉरिटी इलस्ट्रेशंस एग्जांपल मेरे जिम्मे, अरे यार एमसीक्यूज आपके जिम्मे, बस मेरे सवालात जो मैं कराऊंगा वो मेरे जिम्मे, अच्छा खासा लोड है। और अकाउंटिंग के पर्चे में अगर प्रैक्टिस नहीं है तो एक दो सवाल से कुछ नहीं हो सकता, ये भी आप जानते हैं। बोलिए 25 माइनस तकरीबन लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एरिया जो करवाया था लास्ट सेशन में, उसमें मैंने कराया था ये 16 कराया, उसमें एरर्स IS 8 सोशी
ये चाइना से आई है. चेंजेस इन इक्विटी, इसके अलावा एनपीओ, बाकी सर आसान का जो था ये लास्ट में बता रहा हूँ, 33 था, आईएस 23, 40 रेशोस जी. ये कोई चाइनीज लिखी हुई है. अल्लाह करे आप आखिरी दिन तक ऐसे मुस्कुराते रहें. अल्लाह करे ऐसी मस्तियां जो है ना आप पेपर में जाने से पहले भी करें. क्यों? ये है ना, ये लम्हा कैप्चर करने वाला है. तो ये तकरीबन लास्ट टाइम का था हमारे पास. अब देखिए इसमें जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो कितना आ रहा है, ये कितना बन गया, 22. नंबर ए बी में बताइए, लाइफ इज इक्वल्स टू 1/ रेट, कितना बना, 20%. रेट कितना है, कितना, 5 years. फिर बताइए, शाबाश. नंबर सी क्या है, एनुअल तो क्या होगा इसमें, 22,000 डिवाइडेड बाय 5 या 4,400. ये है पी डॉट ए पर एनम सालाना, यानी कि 4,400 से हमारे एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है. और कितने सालों तक डिक्लाइन यही रहेगा, 5 साल. क्यों 5 साल यही अमाउंट रहेगा, क्योंकि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन में. क्या डेप्रिसिएशन के मेथड में आपके पास कोई चॉइस है, नहीं, चॉइस नहीं है डेप्रिसिएशन में, चॉइस नहीं है. ठीक. नंबर डी बोलिए, नंबर डी बोले, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना, 4,400. इसके बाद क्या चीज है, ई स्टेटमेंट. स्टेटमेंट बनाओ जिसमें तुम मुझे ये दिखाओ कि चल क्या रहा है. जैसे एसेट था इतने का, इतने से डेप्रिशिएट हुआ इतने पे आ गया, फिर इतने से हुआ इतने पे आ गया, इतने से हुआ इतने पे आ गया, यानी कि जो भी सिलसिला चल रहा है वो आप यहां पे दिखाइए. जल्दी से बनाए नंबर ई में, नंबर ई कॉस्ट 25,000, डेप्रिसिएशन 4,400, कितना आया, 20,600. इसको हम लोग बोलते हैं नेट बुक वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम लोग कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं या कैरिंग वैल्यू भी बोलते हैं, एक और नाम भी है जिसको डिस्कस करेंगे. फिर बताइए, फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन कितना, 4,400, कितना, 16,200. मैं लिख रहा हूं नेट बुक वैल्यू / कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू. फिर बताइए
डेप्रिसिएशन तीसरे साल का, फिर बोले 11,800। इसको मैं लिख रहा हूं अगेन, नेट बुक वैल्यू स्लैश कैरिंग अमाउंट। चौथा और पांचवें साल जल्दी से मुकम्मल करें। अब जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर थ्री पे, क्वेश्चन थ्री पे आइए। क्वेश्चन थ्री, जी बेटा थ्री पे आ जाए। नंबर थ्री में क्या बनाना है, स्टेटमेंट। तो कॉस्ट कितनी, 15। डेप्रिसिएशन, आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन और टू में मैंने आपको कहा बेटा बात सुनो, डेप्रिशिएबल अमाउंट पता करो, मैंने बोला रेट पता करें, मैंने बोला लाइफ पता करें, मैंने कहा एंट्री बनाइए, ठीक। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री में मैं आपसे वो सारी बातें नहीं कर रहा जो वन और टू में हुई। यहां पे हम लोग ने अब डायरेक्टली क्या करना है, सुने 15,000 क्या है बोले, 500 क्या है, डिवाइड बाय किससे कराऊंगा, टू, सात 250। अब आपने इसको इतनी अहमियत दे के अलग से वर्कआउट नहीं करना, जो चीजें यहां निमट रही है यहां निमटा है। कितना आ गया, 7,000। इस वैल्यू को हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं। 7750। सी ए या सी वी, कैरिंग वैल्यू। अब बताइए ये हुआ पहले साल का, दूसरे साल का बताओ बेटा कितना आया, 500। क्या बोलेंगे, कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, डब्ल्यू डी वी, रिटन डाउन वैल्यू। आहिस्ते आहिस्ते मैंने इसके नाम आपके सामने शेयर किए हैं कि सीवी या एनबीवी या डब्ल्यू डी वी। इसके बाद जी हाँ, अच्छा पहले जो कोर्स था हमारे पास FR1 का, पहले जैसे कैफ वन होता था और कैफ फाइव होता था, तो अगर कैफ वन में क्या था, सिर्फ कॉस्ट मॉडल, ये है कौन सा ओल्ड स्कीम वाला, और यहां पे था कॉस्ट मॉडल प्लस, अब जो न्यू स्कीम आई है उसने क्या किया भाई, ये दे दिया, ये है एस पर न्यू स्कीम, समझ गए बात, पॉइंट समझे, यानी कि देखें
यहां से हम शुरू करेंगे और फिर यहां तक पहुंचेंगे। तो बर्डन जो है आपको खुद रियलाइज हो जाना चाहिए कि मुझ पे कितना ज्यादा एक बर्डन है कि हमने कितनी सारी चीजों को कवर अप करना है। टाइम वही का वही जो सबको मिलता है। पहले क्या था, यहां पे पूरा काम सेट हो चुका होता था, सिर्फ यहां पे आते थे, इसमें काम करते थे और इस काम को करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ 8-10 क्लासेस लगती थी। ठीक मेरे भाई, अभी मुझे पिछला काम भी संभालना है और ये वाले काम को भी देखना है। 73 पेजेस के अंदर उसने कॉस्ट मॉडल के 1-8 सवाल, रिवैल्यूएशन मॉडल के 2-3 सवाल बस, लेकिन 5 पेज देखो तो दर्जनों पड़े हैं। बुक के अंदर आके वो सारी बातें बताता नहीं है, सिर्फ एक आइडिया देता है कि भाईजान ये है। ठीक, तो बाकी जो कराने वाला है उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर ये आइडिया दे दिया, अब तुम्हें जैसे 10 सवाल कराओ वो टीचर पे डिपेंड करता है, तभी मैंने अपने प्रैक्टिस मटेरियल को बढ़ाया। अभी आपको शायद बातें समझ नहीं आए, वक्त के साथ समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों एफर्ट की जा रही है। इसीलिए मुझे पता है क्या, मैं जो आपसे कह रहा था ना, मुझे संडे या फ्राइडे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, वो जो एक गैप क्रिएट हुआ है ना, उस गैप को मैंने फिलअप करना है। तो 73 पेजेस तो बुक के अंदर है, अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो तकरीबन 100 पेजेस तक जा रहे हैं। इसमें डर नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, आपके लिए फर्स्ट टाइम है, हम लोग इसके आदी हैं। अब बताइए नंबर 3 का ये हुआ, बी में आओ। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन काम, लेजर्स। लेजर्स नजर आ रहे, नॉन करंट एसेट का ये, फिर बोलिए और फिर अब इधर आओ बेटा। हमने एसेट जो एक्वायर किया कितने का किया, कैश पे या चेक पे या पेबल, कितने का? 15,000। तो नॉन करंट एसेट डेबिट कैश बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। साल के एंड पे जब हम पहुंचे तो हमारे पास एसेट कितने पे आ रहा होगा, एसेट की कॉस्ट क्या है, जो थी वो वही की वही है, लेकिन एसेट की वैल्यू में क्या कमी आई है या नहीं, बोले आई है। कितने से कमी आई है, बोलिए 7,250 से। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन के हवाले से एंट्री क्या बनेगी, बोले डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इधर आइए, 7,250 रेफरेंस क्या दूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर यहां पे क्या होगा, बोलिए रेफरेंस क्या देंगे, डेप्रिसिएशन। ये काम सभी जानते हैं, एसेट का डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस अलाउंस का क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस बाकी एक्सपेंस का डेबिट प्लस और क्रेडिट क्या होगा, माइनस। अब बताइए अलाउंस का क्लोजिंग कितना, 7,250। एक्सपेंसेस सारे के सारे हम सब जानते हैं कि कहां जाते हैं, एक्सपेंसेस सारे के सारे कहां जाते हैं, बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट बोले या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोले। सुनना, इधर सुनिएगा बात, या तो मैं इधर सुनो, या तो मैं सीडी करूं 7,250 इधर और फिर बीडी करूं, सीडी आया बीडी आया सीडी आया बीडी आया। लेजर के जो बैलेंसेस हैं सब जानते हैं, बेसिक डिस्कशन हो रहा है कि लेजर के बैलेंसेस जाते किधर हैं, बोलिए ट्रायल बैलेंस में जाते। ठीक, और ट्रायल बैलेंस में हमें नजर आएगा एसेट एक्सपेंस कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू। ठीक, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ने कहां जाना होता है, बोले प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग यहां पे यूं भी कर सकते हैं कि बजाय इसके के सीडी लिखें
और बीडी लिखें और ट्रायल बैलेंस बनाएं और ट्रायल बैलेंस से दिखाएं कि इनकम स्टेटमेंट में इतना जाएगा और बैलेंस शीट में इतना जाएगा, तो हम यूं भी कर सकते हैं कि जब हम ये बात जानते हैं कि एक्सपेंसेस ने जाना किधर है, बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आईएएस का रेफरेंस भी दे सकते हैं। क्या ये वाली बात समझ आई? हम सीडी करें, बीडी करें, ट्रायल बैलेंस बनाएं और वहां से दिखाएं कि इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगा, बैलेंस शीट में ये जाएगा। हम लोग ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं कि यहाँ सीडी आया रख दिया, यहाँ सीडी आया रख दिया। एक्सपेंसेस का अकाउंट जब भी हम खोलेंगे तो हमने उन एक्सपेंसेस को लेके जाना किधर है, बोलिए इनकम स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या रख दिया, इनकम स्टेटमेंट। अब बताइए अगले साल में जब जाएंगे तो ओपनिंग कितना होगा, बोलो बेटा 15,000। इसका ओपनिंग कितना होगा, बोलिए 7,250। कितना होगा ओपनिंग, 7,250। अब बताएं अगले साल के एंड पे एसेट की कॉस्ट कितनी है, वही कितनी 15,000। एसेट की वैल्यू में कमी कितने से आई है, बोलिए कितने से कमी आई है, 7,250। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बताइए, एंट्री बताइए, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 7,250। रेफरेंस क्या दिया, इस हवाले से जो बातें हैं मैं करूंगा आपसे, टेंशन नहीं लीजिएगा जो नॉन कॉमर्स वाले बैठे हैं। और ये किधर जाएगा, बोलिए इनकम स्टेटमेंट, और यहां कितना आएगा, 7,250। रेफरेंस क्या दूंगा, और ये कितना आ गया, 14,500। जल्दी से काम कॉपी कर लें जी। ये दूसरे साल के, मैं आईएएस वाली बात समझा दूंगा, पहले बाकी चीजें जरा कॉपी कर लें। आईएएस वाली बात जो है मैं समझा दूंगा, पहले बाकी चीजें कॉपी कर लें। थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा सारी चीजों में एडजस्ट होने में मजीद। और अब आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 हो ट्राई करें, जल्दी से प्लीज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आप लोग खुद ट्राई करें। हाँ जी, आई एस के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, परेशान ना हो, फिलहाल इसको एज इट इज ऐसे ही रखें। क्वेश्चन 4 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। जी कितना आया डेप्रिसिएशन, 9,000 आ रहा है पहले साल का। अब आपने डेप्रिसिएशन के लिए कोई अलग से जाके वर्किंग नहीं करनी, वहीं पे सारे काम निपटाइए। जी मेरा तारिक सही है। Thank you.
स्क्रैप होता है, स्क्रैप और एस्टिमेट इक्वल होता है। जी बताइए नंबर फोर। कॉस्ट 30,000, डेप्रिसिएशन। जी 9,000। क्या डेप्रिसिएशन के लिए अलग से वर्किंग करने की जरूरत तो नहीं है ना? 30,000 माइनस 3,000 तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आया, डिवाइडेड बाय आप 3 कर दें तो कितना बना? 21,000 डिवाइड बाय 3। फिर बताइए डेप्रिसिएशन 9,000 कितना? फिर बताइए 9,000, फिर आ गया आपके पास 3। नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट, दो तीन क्लास लगेंगी आपको पूरा इस माहौल में अपने आपको कंफर्ट लेवल में लाने में, 2 से 3 क्लास लगेंगी। और एक बात शर्ती है, पहली क्लास के बाद जो कंफर्ट आपको दूसरी क्लास में मिलेगा, पहली क्लास में शायद ना मिले, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास से मिलना शुरू होगा। बोलिए 30 का खरीदा कैश देके या उधार पे, तो पेबल्स या सीडी आ गया कितना? 30। फिर दूसरा कौन सा अकाउंट? यहां पे क्या होगा? और फिर तीसरा कौन सा अकाउंट? बोलो बेटा कितना डेप्रिसिएशन आया? 9,000। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेफरेंस दिया, फिर ये होगा क्रेडिट 9,000। हमने जो सीडी किया हमें कोई इसमें मसला नहीं हुआ, लेकिन हमने एक्सपेंस अकाउंट में सीडी के बजाय आईएस लिखा, इसमें हमें थोड़े से सवाल हैं जिसका मैं जवाब दूंगा, मुझे आइडिया। फिलहाल आईएस लिख के आगे बढ़ जाए। इसी तरह से दूसरे साल का देखिए 30, यहां पे कितना? 9। फिर दूसरे साल के एंड में कितना? 30। यानी कि कॉस्ट अपनी जगह जो थी उसको उतनी ही रख रहे हैं। हम लोग हर साल क्या कर रहे हैं? अलाउंस को बढ़ा रहे हैं। आप अलाउंस का अल्फाज इस्तेमाल करूं या मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड इस्तेमाल करूं, एक बार मुझे अलाउंस का वर्ड जबान से निकालने में ज्यादा आसानी होती है एज कंपेयर टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड निकालने। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं वर्ड अलाउंस का, या मैं यहां पे वर्ड लिखता हूं प्रोविजन का, तो एक बात है। अलाउंस का हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हूं या प्रोविजन का हूं, एक बात। जी बताइए दूसरे साल क्या हुआ? एक्सपेंस कितने से डेबिट हुआ? 9,000। रेफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हो या अलाउंस या प्रोविजन, और यहां पे 9,000 रेफरेंस डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 18,000। इसी तरह से तीसरे साल का करके आगे बढ़ जाए।
अच्छा क्वेश्चन फाइव आप लोग ने घर पे करना होगा, सिक्स अभी आप करेंगे। तीसरे साल का आप लोग बना ले। जैसे मैंने काम किया एज इट इज वैसे ही करना। मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ। अब इस सीढ़ी के आगे जगह नहीं है। हाँ बिल्कुल। बेटा जैसे सीडी ये था तो बीडी आया, सीडी ये तो मेरे पास ये जगह नहीं है वरना मैं लिख देता। बीडी 18,000 है बिल्कुल। हाँ ऐड हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 2 साल का है तो यहाँ पे सीडी तो बीडी। अब क्वेश्चन फाइव आपने खुद करना है, सिक्स अभी आप ट्राई कीजिए। जी जी बोले। जी सीडी की जगह आईएस लिख दिया, सही है। नहीं एक्सपेंसेस का सीडी बीडी हम लोग नहीं करेंगे, नहीं। ये मैंने आपसे अर्ज किया ना बेटा, ये वाली गुफ्तगु मेरी बाकी है, तफसीलन करूंगा। सही है। आईएस में अगर फिलहाल कोई इतराज है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस पर डिस्कशन मेरा बाकी है। जी सिर्फ आईएस वाली बात। अब इधर आना बेटा, एक एग्जांपल बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन सिक्स पे आप लोग आएंगे। एक एग्जांपल बोर्ड पे है उसके बाद सिक्स पे। इधर एक एसिड है, इधर देखिएगा, एक एसिड है जिसकी कॉस्ट है 1,000। सही है। देखिए यहां पे जरा प्लीज, हमने उसका डेप्रिसिएशन लिया 0 है मिसाल के तौर पर। कितना आया डेप्रिशिएबल अमाउंट, कितना है डेप्रिशिएबल अमाउंट, कितना है 1,000। और लाइफ कितनी है टोटल 4, तो डेप्रिसिएशन कितना आया 250। कितना बना डन, बिल्कुल बोर्ड पे नजरें रखिएगा। ये है ईयर 1, डेप्रिसिएशन ईयर 2। ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट लाइन है तो कितना आएगा, अब जरा देखिएगा, 1,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया बोलिए 250। कितना आया 250। सात सौ पचास क्या है, 750 क्या है बोलिए, कैरिंग वैल्यू। ठीक, कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं, मुझे बताइए लाइफ टोटल थी कितनी 4। कितने साल ऐसी डेप्रिशिएट हो चुका है 1, कितने साल बच गए 3, तब भी कितना आया 250। तो व्हाट इज दिस 750 हियर,
कैरिंग वैल्यू, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, अगर होती तो माइनस करा देते। डिवाइड किससे कराया जा रहा है, इधर, ठीक। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, रिमेनिंग, इधर रिमेनिंग लाइफ, अभी तो आपने बता दिया चार में से एक गया बच गया तीन, चार में से एक गया बच गया तीन, ये तो आपने बता दिया सर। चार में से एक गया, चार क्या है बोलिए, टोटल लाइफ, इधर टोटल लाइफ कितनी है बोले, चार। आप ये तो बोल रहे हैं कि इसमें से एक गया तो आ गया तीन, ठीक, एक गया तो आ गया तीन। सर ये जो एक है ये क्या है, यूज लाइफ, ये वन क्या है आपके पास, यूज लाइफ। अब सुनिए, ये जो यूज लाइफ है ये कैसे पता की मैंने, सुनना, हमारे पास अब तक का डेप्रिसिएशन कितना है, अब तक मतलब एक साल का कितना है बोलिएगा, 250, यही एक्यूमुलेटेड है, यस, अभी तक का एक्यूमुलेटेड है, क्योंकि पीछे तो कुछ था ही नहीं, तो जो डेप्रिसिएशन है वो ही क्या है बोलिए, एक्यूमुलेटेड। और बताइए एक साल का कितना डेप्रिसिएशन है, 250, यहां देखो 250 डिवाइडेड बाय 250 कितना आया, 1। बेटा यहां पे जरा मैं आपसे वर्बली पहले से बात पूछ रहा हूं, 250 एक साल का, सही है जी। अगर 500 होता पता नहीं कितने साल का, लेकिन 250 होता एक साल का, तो बताओ ये 500 कितने साल का होता। मैंने कोई मुश्किल बात नहीं बोली, बेटा बात सुनो, एक सवाल सिंपल सा इन वैल्यूज को हट के पूछ रहा हूं। एसेट की कॉस्ट जितनी भी है, साल का डेप्रिसिएशन है 100, एक साल का कितना 100, दो सालों का कितना 200, तीन सालों का कितना 300, चार सालों का कितना 400। तो पता नहीं कितने सालों का 400 है, लेकिन एक साल का 100 है, तो ये 400 कितने सालों का होगा, चार साल। पहले मैं जवाब दे रहा हूं, एक साल का कितना 100, दो साल का कितना 200, तीन साल का कितना 300, चार साल का कितना 400, फुल स्टॉप। अब मैं आपको बोल रहा हूं यार कि अगर एक साल का 100 है, सही है नहीं, एक साल का अगर 100 है, तो ये जो एक्यूमुलेटेड है 400, ये कितने सालों का होगा, तो आपने पता क्या किया, 400 डिवाइडेड बाय बोलिए 100, तो कितना आ गया बोलिए, 4। क्या ये वाली बात से बताइए, तो अगर मैं बोलूं कि यार एक साल का है 100, तो ये जो 600 है ये कितने सालों का होगा, तो आप क्या करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 100, तो 600 क्या हुआ, 6 सालों का डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100 किया एक साल का। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया, एक्यूमुलेटेड जितना भी था कितने से डिवाइड कराया एक साल से, तो कितना आ गया, एक्यूमुलेटेड था कितना बोले 250, ये कितना है 250, कितना आया एक। अब देखो यहां पे हमने यहां पे जो फॉर्मूला भी लगाया है वो ये कुछ लगाया, रिमेनिंग लाइफ। सुनो बेटा, क्या ये वाली बात समझ रही, 750 स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं, जीरो। सर ये रिमेनिंग लाइफ आपने तो मुझे बड़े आराम से बता दी थी, कितनी बताई थी बोलिए, तीन। लेकिन मैं आपको किसी एक ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा करूंगा जहां पे मैं आपको बता रहा हूंगा, भाईजान एसेट की लाइफ तो थी 25 साल, ये रहा आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मुझे बताओ कि कितने साल
रिमेनिंग रह गए हैं। आपने बोला सर मैं ऐसे थोड़ी बता सकता हूं, आपको बताना पड़ेगा। समझ आ रही बात? मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पे लाके आपको खड़ा करूंगा, बोलूंगा भाई एसिड की लाइफ तो थी 50 साल, कुछ साल से एसिड इस्तेमाल हो रहा है और ये है उसका जमा शुदा डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताइए कि एसिड कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है और कितने साल होना बाकी है। मतलब मैं पूछना क्या चाह रहा हूं कि कितना साल होना बाकी है, तो मतलब रिमेनिंग लाइफ पूछना चाह रहा हूं। तो फॉर्मूला जरा देखिए यहां पे, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूला, ये जो भी हमारा डेप्रिसिएशन का मामला शुरू हुआ है इसमें आपको दूसरी क्लास से ही नजर आ जाएगा कि छोटे छोटे टूल्स इतने सारे हमारे जमा होना शुरू हो जाएंगे, जो आपको बॉक्स में अगर दिख जाए तो मुझे भी ला के दे दीजिएगा। इसमें इतने डिफरेंट टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, आपको शायद बुक के अंदर वो किसी एक किताब में नहीं लिखे वो वक्त के साथ। ये तो पहली क्लास है। देखो ये हमारे पास एक टूल आया रिमेनिंग लाइफ पता करने के लिए। क्या किया? अभी तो 4 साल थे ना, 1 साल निकला तो सबने बता दिया 3 साल। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं 50 साल लाइफ है और एसिड पता नहीं कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है, आप बताओ कितने साल बच गए? वहां पे फिर आपने मालूम क्या करनी पड़ेगी, बोलिए। एक सवाल ऐसे करो, 101 सवाल इस अंदाज से करो, जवाब गलत है तो आगे बात करो। मैं अपना ग्राउंड पूरा आगे के सिनेरियो जिसको हमने फेस करना है उनको मैं डे वन से ही कुछ ना कुछ फीड करते जाऊंगा, ताकि जब हम आगे जाए तो वो चीजें हमारी प्रैक्टिस में इतनी हो कि जब जिस टूल को इस्तेमाल करना है उसको हम लोग आराम से कर सके। ये बात देखिए, समझ आती? बची हुई लाइफ थी कितनी, कितना यूज हो गया इज इक्वल टू बची हुई लाइफ थी इतनी, इतना यूज हो गया। अगर मैं बोलूं 1 साल यूज हो गया तो आपने ठक करके जवाब दिए 3। अगर आपको पता नहीं है कि कितने साल यूज हो गया तो आप देखेंगे कि भाई अब तक का इतना है और 1 साल का इतना था। तो ये देखो आप बताइए कितना आया, बोले 500। ये कितना आया कैरिंग वैल्यू। आप बताओ ईयर 3 का जरा जल्दी से बता दीजिए कितना है। सर 250 तो है, 250 तो है। ये कैसे आएगा 1000 - 0 / 4। सर ये तो पुरानी हो गई अब, कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाएंगे तो पुरानी हो गई। हम मैं अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं, अब सबका दिमाग चलना शुरू हो गया। बोलो 500 क्या है? कैरिंग वैल्यू माइनस जीरो है ही कुछ नहीं। अभी तो सूरत हाल 2-4 साल में नजर आ रही है, जब बात होगी 13.5 साल, 14.5 साल, 8.5 साल, 6.5 साल, ठीक। आपको मैं बता चुका हूं कि हमारे कोर्स के अंदर स्क्रैप वैल्यू में चेंज देखेंगे, मेथड्स में चेंज देखेंगे, लाइफ में चेंज देखेंगे, कॉस्ट मॉडल के अंदर 10 फटी गए, रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर 10, सब कंबाइन होती है तो मेरे भाई एक गुलदस्ता बनता है जो आपका सवाल सामने आएगा। पेपर के अंदर जो सवाल आएगा ना, याद रखिएगा उसके अंदर सब कुछ एग्जामिनर एक जगह फिट करके देता है, सब कुछ। नहीं 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 सुने, आइए 16 के बारे में सुनिएगा। जो भी 73-80 पेजेस का हैंडआउट है बुक का, ठीक, उनको पूरा वो निचोड़ेगा और एक सवाल बनाएगा। एक बात ये, आइए 16 के साथ और मसाइल, आइए 36 के साथ जुड़ के आता है जी, आइए 16 आइए 40 के साथ जुड़ के आता है, आइए 23 के साथ आता है, 20 के साथ आता है, 40 के साथ आता है। इसका मतलब खाली वो अपने आप में सवाल बन के नहीं आ रहा, वो अपने साथ दूसरे आईएसएस को जोड़ेगा और फिर सवाल बनेगा। आपको शायद आईकेएफ के सवाल की नौयत का अंदाजा शायद अभी तक हुआ नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे बातें की है, मुझे एक लंबे सफर पे निकलना है तो उस तक मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा, मेरी तैयारी है। लेकिन सिर्फ आप लोग को मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि आप लोग अपना डे वन से ही जो है ना बोरिया बिस्तरा बांधने चीजें जो करवा रहा हूं उनको बस इग्नोर ना करें। अरे हो जाएगा ये वो, एक लोगों का रवैया अब तक देखते आए हूं, अरे हो जाएगा सबसे ज्यादा एंड में वो लोग सफर कर रहे होते हैं। और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जिन लोगों के सामने उन्होंने बोला होता है अरे हो जाएगा जाने कोई मसला नहीं है, फिर वो उन्हीं लोगों से जो है ना चेहरा छुपा के भाग रहे होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शुरू से ही ना आपने सीरियसली होके चलना है। अब बताइए 500 / 2, बोले ये 2 कैसे आया, टोटल लाइफ थी कितनी, 4, कितने साल यूज हो गया, 2,
हमने आगे जाके इस हवाले से खेलना है कूदना है ठीक। हमारी इंशाल्लाह क्लास जो है नेक्स्ट वो है कब, थर्सडे को शायद, नहीं नहीं अगले हफ्ते नहीं, कमिंग थर्सडे, मौका लगा फ्राइडे, मौका लगा संडे। मेरे भाई किसी को शौक नहीं है बार बार बोलना, अच्छा नहीं लगता, सही है ये बात सबको पता है। इस रमजान शरीफ में किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता इतनी सारी बातें बोलना, लोग कम से कम गुफ्तगू कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे मजबूरी है। तो अगर थर्सडे मेरी क्लास है तो फिर मौका लगता है मुझे तो मैं फ्राइडे भी लगाऊंगा अगर स्लॉट निकला, संडे भी लगानी पड़ेगी मजबूरी है क्योंकि अभी आखिरी के 10 दिन में थोड़ा सा टर्न प्रोग्राम चलता है, ईद की छुट्टियां, फिर वो आगे कहीं ना कहीं सिलसिला चलते चले जाएगा। ठीक है भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं थर्सडे को।